हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग एक बिल्कुल प्रोफेशनल बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट बना सकते हो। बिजनेस लिस्टिंग बोल लो, डायरेक्टरी लिस्टिंग बोल लो, या फिर एक क्लासिफाइड वेबसाइट बोल सकते हो। एंड सबसे मजेदार बात इस ट्यूटोरियल की ये है कि इसमें जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ करने वाले हैं, चाहे वो थीम हो चाहे वो प्लगइन हो, सारे के सारे टोटली फ्री रिसोर्सेज हैं। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। एंड वो फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आपको बना के दिखा दूँ, वो फ्री है, मगर उसके अंदर सारे प्रीमियम फीचर्स हैं जो एक लिस्टिंग वेबसाइट के अंदर होने चाहिए। जैसे कि आप बोलो कि पेड लिस्टिंग का ऑप्शन है, उसमें फीचर लिस्टिंग कर सकते हो, क्लेम लिस्टिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, फेवरेट कर सकते हो, एंड उसमें आप लिस्टिंग को रिव्यू कर सकते हो, उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, गूगल एड्स लगा सकते हो, उसके अंदर आप क्लेम लिस्टिंग के ऑप्शन के थ्रू पैसे कमा सकते हो, उसमें आप पेड लिस्टिंग का ऑप्शन ऐड कर सकते हो जिसमें कि आप ऑप्शन दे सकते हैं, प्लान सेलेक्ट कर सकता है यूजर आके वहाँ पे अगर किसी को अपने ऐड को फ्रंट पे दिखाना है। सो बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं फ्री रिसोर्सेज के साथ। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, फटाफट से वीडियो को शुरू करने वाले हैं। बस इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, एंड नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना ताकि मेरी फ्यूचर की इसी तरह की यूजफुल वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वेबसाइट का डेमो दिखा देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग जाए जो मैं इतनी लंबी वीडियो बनाने जा रहा हूं ये आप लोगों के मतलब की है या फिर नहीं है। आपको पहले डेमो दिखा दूंगा ताकि आप समझ जाएं कि आज के ट्यूटोरियल में आप लोगों को क्या चीज सीखने को मिलने वाली है। चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे, वहां पे फटाफट से पहले डेमो को देखते हैं, ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। ये है हमारा यूट्यूब चैनल जिसके अंदर अभी इस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना फ्यूचर की अपकमिंग वीडियो पाने के लिए। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलते हैं फटाफट से हमारे डेमो को देखते हैं। ये है वो वेबसाइट list.webtechnicaltips.in। मैंने इसको सब डोमेन क्रिएट करके इसके ऊपर वेबसाइट बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए। ट्यूटोरियल बनाने के लिए मैं इस तरह काफ़ी सारे सब डोमेन यूज़ करता रहता हूँ। एंड ये रही हमारी वो वेबसाइट जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं, जिसका नाम मैंने रखा है WTT लिस्टिंग क्लब। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको लोगो मिल जाएगा। एक बार रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करके देखते हैं तो थोड़ा देखने में आपको अच्छा लगेगा। रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे पहले लोडिंग होगी, लोडिंग के बाद ये पहले जो हमारा सर्च बार है नीचे से ऊपर की तरफ आता है कुछ एनिमेशन में। लेफ्ट साइड में हमारा लोगो है जो कि हमारा जो भी हम लोगो रखने जाते हैं वो रख सकते हैं। एंड राइट साइड में हमारे कुछ नेविगेशन हैं जैसे कि डाउनलोड ऐप, एडवर्टाइज, ऑल लिस्टिंग। एंड यहाँ पे अभी आपको जनरल ब्लॉग जो मतलब ये दिख रहा है, यूज़र नेम दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ इसलिए दिख रहा है। अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए एक बटन आएगा। एंड उसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड लिस्टिंग का बटन है जिस पे कि क्लिक करके कोई भी लिस्टिंग ऐड करना चाहे अपने प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, वो ऐड कर सकता है। एंड ठीक उसके नीचे एक बैनर टाइप का है, बैनर के ऊपर मैंने यहाँ पे एक सर्च बार का टाइप आपको दे रखा है। बैनर में कुछ ग्राफिक्स वगैरह भी डाल रखे हैं। एंड नीचे कंटेंट डाल रखे हैं हमारे हीरो सेक्शन में, फाइंड द बेस्ट सर्विसेज एंड ऑफर, जिसमें कि यहाँ पे आपको कीवर्ड्स डालने का ऑप्शन मिलता है। लोकेशन बेस्ड आप सर्च कर सकते हो, उस पर क्लिक करेंगे आपको अलाउ करने के लिए बोलेगा, आप अलाउ कर देंगे, देन उसके बाद यहाँ पे आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग वो सर्चेज स्टार्ट कर देगा कोई भी कीवर्ड आप सर्च करेंगे तो। एंड उसके नीचे थोड़ा आएंगे तो हमारा जो हीरो सेक्शन है उसमें कुछ मैंने ऐसे ग्राफिक्स को ऐड किया हुआ है, कुछ ब्रश टाइप का यहाँ पे इफेक्ट दे रखा है। थोड़ा सा उसके नीचे आप आएंगे तो मोस्ट सर्चेबल कैटेगरी, मैंने एक हेडलाइन डाल रखी है हमारे जो वेबसाइट है उसमें जो मोस्ट सर्चेबल कैटेगरी होगी उसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। एंड वो किस तरीके से रहेगी, फर्नीचर हो गया, अप्लाइंसेस, सर्विसेज, जॉब फॉर सेल, एजुकेशन, रियल स्टेट, या फिर और भी कैटेगरीज हो सकते हैं। तो व्यू ऑल पे हम सारी कैटेगरीज को शो कर सकते हैं। एंड माउस आने पे कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखेगा आपको हर आइकन के ऊपर। एंड उसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन है वेरीफाइड एंड हॉट डील्स, जो कि अगर आप जैसे कि पेड प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, आप फ्री में करें तो अलग बात है, एंड कुछ पेड प्लान आप सोच रहे हो कि इसके अंदर हम पेड ऑप्शन रखेंगे तो आप जो आपको पैसे देगा उनके लिए आप उनको बोलोगे भाई आप हमारे को इतने पैसे दो, हम अपने वेबसाइट के टॉप सेक्शन में जो कि हमारा वेरीफाइड एंड हॉट डील का सेक्शन है उसके अंदर आपके प्रोडक्ट को फीचर करके हम दिखा सकते हैं। तो इसके बदले आपको कुछ पैसे मिलेंगे जिससे कि आप अर्निंग कर सकते हो। एंड उसी के नीचे यहाँ पे मैंने एक ऐड डाली है जो कि मतलब ऐड नहीं है, मैंने बना के डाली यहाँ पे इमेज, या फिर कोई और ऐड आप अपनी इमेज बेस्ड ऐड लगाना चाहते हो वो भी आप लगा सकते हो। तो ये इमेज के ऊपर ही है, तो अगर जो आपको गूगल से कोड मिलता है वो भी आप पेस्ट कर सकते हो। अगर किसी को वैसे ही आप खुद प्रमोट कर रहे हो कोई इमेज डाल के तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके ठीक नीचे ऑप्शन आता है होम एंड बिजनेस सर्विसेज, तो उसमें कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा था ये हॉट डील्स का था सेक्शन जिसमें कि फीचर्ड लिस्टिंग को हमने शो किया था, उसमें फॉर सेल या जिस तरह की कोई भी हो सकता है उसमें उसकी नाम है, उसकी लोकेशन है, एंड कब ऐड हुआ है, उसकी रेटिंग क्या है, कंडीशन क्या है और उसका प्राइस क्या है। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको फेवरेट कर सकते हो, उसको क्लिक करेंगे अगर आपका अकाउंट बना हो तो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा एज अ फेवरेट। उसके नीचे ऑप्शन आता है होम बिजनेस का भी, उसमें भी सेम आपको इसी तरीके से दिखता है। अगर आपका कोई सर्विसेज का ऑफर करते हो, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज,
स्टाइल इन सर्विसेज, प्राइवेट योगा क्लासेस, मतलब जिस तरह की सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो, उसकी सर्विसेज का टाइटल डाल सकते हो, अवेलेबिलिटी क्या है, वारंटी वगैरह क्या है क्या नहीं है, पर आर के हिसाब से भी आप चार्ज कर सकते हो पर सर्विसेज के ऊपर अपने, या फिर प्रॉपर एक चार्ज कर सकते हो कि भाई हमारी सर्विस के ये चार्जेस हैं। एंड उस पर क्लिक करने पे यहाँ पे बटन पे एक्सप्लोर होम एंड बिजनेस सर्विसेज, इसके पूरी डिटेल पे जब पहुँच जाएंगे हम, जहाँ पे कि हमारे को हमारी सारी सर्विसेज दिखेगी। होम पेज में हम सब कुछ लिस्ट नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे हम मेन मेन कैटेगरीज को शो करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि इस कैटेगरी में किसी ने कोई फीचर किया होगा उसको हम शो कर सकते हैं, एंड क्लिक पे सबको दिखा सकते हैं। एंड ठीक उसी के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय रेंट एंड पीजी का ऑप्शन है, जिसमें कि प्रॉपर्टी रियल स्टेट से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि आप प्राइस पे आप मत जाना, ये तो पहले यहाँ पे डॉलर का ऑप्शन था, डॉलर को हटा के मैंने रुपीज़ का डाल दिया, तो मैं प्राइस चेंज करना भूल गया। डेमो कंटेंट मैंने कॉल कराया था, तो डेमो कंटेंट में तो ऐसे ही होता है, अगर मैं एक एक लिस्टिंग को ऐड करता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और वीडियो बनाने में भी बहुत दिक्कत हो जाती। तो अभी यहाँ पे रियल स्टेट का ऑप्शन है, जिसमें कुछ इस तरह के आपको ऑप्शन मिलते हैं, और सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको वो दिखता है प्राइसिंग पर मंथ के हिसाब से, अगर आप रेंट कर रहे हो तो क्या रहेगा। स्क्वेयर फुट का ऑप्शन है, मतलब जो एरिया होता है हमारा रियल स्टेट में, टाइप क्या है, रूम है, अपार्टमेंट है, हाउस है, वो सबको ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। रिव्यू है, एंड ठीक उसी नीचे वो बटन सिंपल जैसे ऊपर था हमारा, कि इस पर क्लिक करने पे पूरा इसके डिटेल पेज पे चला जाएगा, जहाँ पे सारी लिस्टिंग हमारे को दिखेगी। एंड ठीक उसके नीचे फिर दोबारा से एक ऐड अगर आप रखना चाहो तो, उसके नीचे यहाँ पे कुछ काउंटर है, जैसे कि पेज हमारा लोड होगा, जब हम स्क्रॉल करके जब नीचे पहुंचेंगे तो ये लोडर कुछ हमारे को इस तरीके से दिखेंगे लोड होते हुए, जो कि देखने में अच्छा लगता है। हैप्पी यूज़र, 30,000 हैप्पी यूज़र, 200 प्लस वेरीफाइड एक्सपर्ट, 90 प्लस कैटेगरीज, एंड उसके नीचे एक ऑप्शन दे रखा है मैंने, यू कैन बाय सेल और रेंट एनी थिंग यू कैन थिंक, लिस्ट योर बिजनेस। इस पर यूज़र क्लिक करेगा और ऑप्शन आगे आ जाएंगे, जिसमें कि उसको अपनी लिस्टिंग सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे क्या रहेगा। एंड उसके नीचे हमारा सेक्शन है यहाँ पे About WTT Classified, जो हमारा डोमेन नेम, जो हमारा कंपनी का नेम रहेगा, जो हमारा लोगो नेम रहेगा, वो सब कुछ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारे बारे में दो चार लाइनें, रीड मोर पे क्लिक करने के अबाउट अस पेज पे बंदा यूज़र रीडायरेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे हमारे बारे में पूरा डिटेल में जान सकता है। राइट साइड में डाउनलोड और मोबाइल ऐप का एक सेक्शन मैंने डाल दिया, जिसमें कि हम अपना एंड्रॉयड या फिर iOS का दोनों का ऑप्शन दे सकते हैं लिंक, जिससे कि यूज़र हमारी ऐप को सीधा डाउनलोड करना चाहे तो कर सके। एंड उसके बाद लेटेस्ट फ्रॉम आवर ब्लॉग, ब्लॉग का सेक्शन है, जिसमें कि ब्लॉग कुछ इस तरीके से आप शो कर सकते हो, तीन ब्लॉग शो करने हैं, चार ब्लॉग शो करने हैं, वो आपके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। एंड उसके नीचे हमारा फुटर का एरिया सिंपल, जिसमें कि लिस्टिंग मैंने कुछ इस तरह दिखाई है, ब्लॉग के कुछ पॉपुलर टॉपिक्स जो होंगे हमारी कैटेगरी वो दिखा सकते हैं, और सोशल प्रोफाइल, एंड नीचे हमारा कॉपीराइट का ऑप्शन, एंड अबाउट कॉन्टैक्ट टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसीज का जो ऑप्शन होता है। ये तो था ऑप्शन हमारा कुछ इस तरीके से। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि कोई किसी को ऐड लिस्टिंग करनी है वो कैसे करेगा, सिंपली उसको यहाँ पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको आपकी सारी कैटेगरी दिख जाएगी, जैसे कि अभी तीन चार कैटेगरी ही डली हुई हैं, ज़्यादा होती तो और दिख जाती। एंड वहाँ पे आने के बाद सिंपली वो क्लिक करेगा उसकी जिस भी कैटेगरी में वो प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहता है, जो भी उसका प्रोडक्ट जिस भी सर्विसेज या कैटेगरी से रिलेटेड होगा उसको वो सेलेक्ट करेगा। एंड यहाँ पे आने के बाद सिंपली वो अपनी इमेज डालेगा, टाइटल डालेगा, लोकेशन, रेंट टाइप, स्क्वायर फुट, डिस्क्रिप्शन। अब ये रियल स्टेट का था तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट हैं, तो एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो जिस हिसाब से आपकी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने एट्रीब्यूट खुद बना सकते हो, किसी भी तरह का एट्रीब्यूट आप क्रिएट कर सकते हो बहुत आसानी से, सब कुछ इस ट्यूटोरियल में आपको मैं बताऊंगा। एंड अगर आप उस कैटेगरी में नहीं समझ आ रहा तो आप चेंज कैटेगरी भी यहाँ पे कर सकते हो, और अगर आपको कोई लिस्टिंग जो भी हो रखी है उस लिस्टिंग की डिटेल देखनी है वो कैसे देखने में लगेगा वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ए खोल लेते हैं, फॉर सेल वाला ऑप्शन है, एंड एक सर्विसेज का खोल लेते हैं, एंड एक रियल स्टेट का खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है ये फॉर सेल वाला, जिसमें कि इस तरह की यहाँ पे हमारी हेडिंग दिखती है, जो लोकेशन है वो लोकेशन का एड्रेस दिखता है, उसका रिव्यू दिखता है, उसकी प्राइजिंग दिखती है, रिप्लाई टू लिस्टिंग का यहाँ पे ऑप्शन होता है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आपका जो वेंडर होगा जिसने भी लिस्ट किया होगा उसके पास ये मैसेज पहुँच जाएगा, एंड जो भी आप बात करना चाहते हो, जो भी आप मैसेज करना चाहते हो, यहाँ पे आप मैसेज टाइप कर सकते हो, फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो कुछ करना हो तो। एंड राइटर रिव्यू पे करेंगे तो राइटर रिव्यू करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, सिंपल रिव्यू दे सकते हो आप सिंपल। एंड उसके नीचे क्लेम लिस्टिंग, अगर आपको लगता है ये तो भाई आपकी लोकेशन है और आपको क्लेम लिस्टिंग करके सिंपली आप बता सकते हो अपने बारे में, और सब कुछ चीज़ें उस यूज़र तक उस पहुँच जाएंगी जो कि इस वेबसाइट का ऑनर है, ये उसके पास पहुँचेगा और वो चेक करेगा सब कुछ आपका जो भी आपने लिखा होगा। उसके बाद अगर आपको लगेगा हाँ भाई इसी का है तो उसको क्लेम कर सकता है, अप्रूव कर देगा और ये लिस्टिंग आपके लिए क्लेम हो जाएगी। रिपोर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, आपको लगता है कुछ इसमें दिक्कत है, ठीक नहीं है, तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन है, आप इसको फेवरेट कर सकते हो, आपके अकाउंट में ये फेवरेट में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से रिव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे रिव्यू यहाँ पे नीचे दिखते हैं अगर कोई रिव्यू डालता है। एंड राइट साइड में यहाँ पे मैप का ऑप्शन है,
जो एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मैप भी दिखना है, यहाँ पे शुरू हो जाएगा। एंड ये वेंडर के बारे में है, वेंडर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो सिंपल क्लिक करो, वेंडर के बारे में पढ़ सकते हो, उसको डायरेक्ट यहाँ से मैसेज आप कर सकते हो, और उससे रिलेटेड कुछ उसकी कैटेगरीज हैं तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो ये तो था हमारा फॉर सेल का। इसी तरीके से हमारा सारी फंक्शनैलिटी सेम रहेगी, इसी तरीके से हमारा सर्विसेज का भी है, मतलब जिसमें कि आप कुछ अलग अलग तरीके से दिखा सकते हो उसकी अवेलेबिलिटी, फुल डिस्क्रिप्शन, इमेज, हाँ ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें सारी सेम हैं। एंड इसी तरीके से रियल एस्टेट का है, जिसमें कि आपकी जो लोकेशन है एंड उसका टाइप क्या है, स्क्वायर फीट क्या रेट है, और सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मतलब जो हमारा जो डिटेल पेज होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला फंक्शनैलिटी सारी फ्री रिसोर्सेज के साथ काम करने वाले, मगर फंक्शनैलिटी जो है बिल्कुल प्रीमियम रिसोर्सेज वाली हैं, जैसे कि ऐड टू फेवरेट हो गया, राइट अ रिव्यू हो गया, क्लेम लिस्टिंग हो गया, रिपोर्ट लिस्टिंग हो गया, मैसेज करके आप बात कर सकते हो वेंडर से अगर आप बात करना चाहो तो। सो इस तरीके से सारी चीज़ें वर्कआउट करती हैं। अब मैं एक वेंडर के उससे दिखाता हूँ आपको, अगर किसी वेंडर ने लॉग इन कर रखा है तो उसका सब कुछ कैसे दिखेगा। सो यहाँ पे एक वेंडर का डैशबोर्ड जिसमें कि उसकी सारी लिस्टिंग आपको दिखाई देगी, जितनी भी उसने लिस्टिंग कर रखी होगी उसको यहाँ पे देख सकता है या फिर एडिट कर सकता है। फेवरेट अगर उसने किसी को कर रखा होगा तो ये फेवरेट का सेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फेवरेट में यहाँ पे दिखाई देगा। एंड उसने किसी को मैसेज कर रखा होगा वेंडर को, या फिर उसके पास कोई मैसेज आया होगा, वो सब कुछ उसको यहाँ पे दिखाई देगा। एंड सेटिंग में सिंपली बेसिक वो अपना नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहे तो वहाँ से वो चेंज कर सकता है। एंड यहाँ पे ऑल लिस्टिंग अगर आप करते हैं, ऑल लिस्टिंग के बटन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कीवर्ड, लोकेशन, सर्चेज रहेंगी। एंड यहाँ पे आपकी सारी कैटेगरी रहेगी, रियल एस्टेट, एजुकेशन, सर्विसेज, फॉर सेल, वो सर्च कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। एंड उसी के ऑप्शन आपको यहाँ पे मैप दिखेगा, राइट साइड में लिस्टिंग दिखेगी। एंड यहाँ से अगर आप कर देते हो सर्विसेज, फिल्टर कर दोगे तो खाली यहाँ पे सर्विसेज वाले ऑप्शन दिखेंगे। ये सारे एट्रीब्यूट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ट्यूटोरियल में। एंड उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज दिखेगी, अर्ली रेट दिखेगा, अवेलेबल एंड वारंटी का ऑप्शन देगा यहाँ पे, फिल्टर करेगा यूज़र उसके अकॉर्डिंग आपको दिखेगा। यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो आपको पता जाएगा कि हाँ भाई दो लिस्टिंग यहाँ पे हो रखी है हमारी। सो फ्रेंड इस तरह से एट्रीब्यूट की हेल्प से हम इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। सर्विसेज के मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें एट्रीब्यूट को यहाँ पे क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे आपको पेड लिस्टिंग का ऑप्शन भी मिलेगा, फ्री लिस्टिंग का ऑप्शन भी मिलेगा, पेमेंट गेटवे वगैरह कैसे काम करता है वो सब कुछ पता चलेगा ट्यूटोरियल में। तो ये तो था एक डेमो वेबसाइट अगर आपको मैं दिखाना चाहता तो। सो ये तो था बेसिकली एक डेमो वेबसाइट, जिसमें कि आपको अबाउट अस पेज भी है, बॉटम में कॉन्टैक्ट अस पेज भी है, वो सब कुछ भी आपको देखना है तो वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा अबाउट अस का पेज है, जो कि सिंपल टेम्पलेट को कॉल करा रखा है मैंने, इमेज एंड कंटेंट के साथ प्ले किया है। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट अस का पेज, अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना है, कुछ आपको बोलना चाहता है, मैसेज करना चाहता है, या फिर कुछ भी इंक्वायरी करना चाहता है बिजनेस के रिगार्डिंग, तो यहाँ से वो मैसेज कर सकते हैं। एंड नीचे यहाँ पे टर्म्स ऑफ यूज, प्राइवेसी पॉलिसी, सिंपल इस तरीके से हमारी पूरी वेबसाइट आपको दिख रही है। सो फ्रेंड बेसिकली ये हमारी डेमो वेबसाइट थी, जो कि मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, कैसे कैसे क्या होने वाला है। एंड करेंसी का यहाँ पे ऑप्शन रुपीज़ में मैंने ऐड किया, जो कि पहले डॉलर में था, आप किसी भी करेंसी में इसको चेंज करना चाहो कर सकते हो, वो भी बहुत आसान है, वो भी आपको बताऊँ कैसे कर सकते हो। तो फटाफट से चलते हैं अब इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। डेमो देख के आपको आई होप लग गया होगा पता कि कितनी अमेजिंग वेबसाइट हम बनाना सीखने वाले हैं फ्री रिसोर्सेज के साथ। तो चलते हैं फटाफट से हमारे इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स किसी भी तरह की वेबसाइट को बनाने के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। डोमेन बेसिकली जैसे कि ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हैं youtube.com, webtechnicaltips.in, webtechnicaltips.com, facebook.com, google.com, ये एक डोमेन नेम होता है, ऑनलाइन आइडेंटिटी। एंड इस होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग जैसे कि ये लोगो है, ये टेक्स्ट है, ये इमेज है, ये सर्च बार है, ये कैटेगरी है, ये आइकन है, ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये कहाँ पे स्टोर हैं, ये हमारे होस्टिंग में स्टोर है। हमारे लैपटॉप के अंदर एक स्पेस होता है ना, हम कंटेंट को सेव करते हैं, ऐसे हमारी वेबसाइट का स्पेस एक बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जहाँ पे स्टोर रहता है। एंड जब भी कोई यूज़र आपके डोमेन को इंटरनेट पे, गूगल पे, ब्राउजर पे सर्च करता है, वो फटाफट से वहाँ से फेच करता है डेटा को और आपके सामने वो रख देता है। तो किसी भी तरह की वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे वो आपकी सर्विस वेबसाइट हो, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट हो, कोई आपका ऑनलाइन स्टोर हो, इन्फॉर्मेशनल टाइप की वेबसाइट हो, किसी भी तरह की वेबसाइट के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। एंड एक आपका होस्टिंग प्रोवाइडर अगर अच्छा है तो आपकी वेबसाइट में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी टेक्निकल इशू आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी बिजनेस के लिए, अगर वो अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन लेके जा रहा है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस तरह का एक लिंक मिलेगा, होस्टिंग लिंक करके नाम पे, जिसमें कि ब्लू होस्ट इंडिया, ओनली फॉर इंडिया, एंड ब्लू होस्ट आउट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया से बाहर के अगर यूजर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं, ये वाली लिंक को, और अगर कोई इंडिया में इस वीडियो को देख रहा है तो ये वाले लिंक को यूज़ कर रहा है। तो मैं इंडिया से हूँ तो मैं इस वाले लिंक को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। आपको सिंपली क्लिक करना है, नए ब्राउजर पे अपने आप ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। सो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी आप लोगों के सामने।
जो कि ब्लूहोस्ट की वेबसाइट है। एंड इससे मैं होस्टिंग लेने के लिए क्यों आपको बोल रहा हूँ, मैं इसको रिकमेंड क्यों करता हूँ, बहुत सारे रीजंस हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। वर्डप्रेस जिसके ऊपर हम वेबसाइट बनाने वाले हैं, जिसको कि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में 40% से ज़्यादा वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर चल रही हैं, वो इसको रिकमेंड कर रहा है। इतने सालों से वर्डप्रेस इसको रिकमेंड कर रहा है। फ्री डोमेन मिलता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आपको बताने वाला हूँ इस सर्विस प्रोवाइडर से लेने के लिए। डोमेन आपको फ्री मिलता है, SSL आपको फ्री मिलता है, CDN भी आपको फ्री मिलता है, जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एंड वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 24/7 का सपोर्ट है। आपकी वेबसाइट में अगर कोई दिक्कत आती है, आप कभी भी इनसे चैट में फ़ोन पे बात कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो, और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप कहीं फंस रहे हो, आप सीधा इनको बोलो, ये आपकी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करके देंगे। एंड सबसे अमेजिंग बात यहाँ पे क्या है, जो इसकी प्राइजिंग है बहुत ही नॉर्मल सी प्राइजिंग है। एक अच्छे सर्विसेज के साथ आपको एक नॉर्मल प्राइस में यहाँ पे होस्टिंग मिल जाती है। आपको सिंपली यहाँ पे गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है। एंड अब यहाँ पे आपको सर्वर लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ भी आपका जो ऑडियंस है, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, वो कहाँ का है, उसके अकॉर्डिंग आप सर्वर लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे बेसिक प्लान, प्लस प्लान एंड चॉइस प्लस प्लान, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आप एक वेबसाइट ऑपरेट करना चाहते हो, आप सिंगल प्लान के साथ जा सकते हो, जो कि बेसिक प्लान है। अगर फ्यूचर में आपके प्लान है मल्टीपल वेबसाइट ऑपरेट करने, ब्लॉग बनाने का, या फिर अलग अलग बिजनेस में आप डोमेन इन्वेस्ट मतलब वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप मल्टीपल ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो, जो कि इनका प्लस प्लान है और चॉइस प्लान है। यहाँ पे मैं इस वेबसाइट में आपको बेसिक प्लान के बारे में बता रहा हूँ। सिलेक्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है, जिसमें कि आपको 50 GB का SSD स्टोरेज मिलता है। SSD स्टोरेज आपकी वेबसाइट की स्पीड के लिए काफ़ी अच्छा होता है। एंड यहाँ पे जो जो चीज़ें फ्री मिलने वाली है, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे आप अपना फ्री डोमेन क्लेम कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है, आपको सिर्फ होस्टिंग लेनी है, आप अपना डोमेन नेम यहाँ पे डाल देंगे एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपके पास डोमेन नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे आना है, अपने डोमेन नेम को सर्च करना है, अगर वो अवेलेबल होगा तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पे अपने आप प्रोसीड कर जाएंगे। सो मैं ये वाले स्टेप को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट स्क्रीन पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम, जो आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं, और आपको बिल्कुल यहाँ पे जेन्युइन डिटेल डालनी है, क्योंकि जो आप ईमेल आईडी यूज़ करने वाले हो या फिर जो फ़ोन नंबर आप यूज़ करने वाले हो, वो आपके अकाउंट क्रिएट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। सो यहाँ पे आपको अपनी एक्यूरेट सब कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। एंड फिल करने के बाद यहाँ पे अब ऑप्शन आता है अकाउंट प्लान सेलेक्ट करने का। यहाँ पे आपको बेसिकली प्लान मिलते हैं 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ। सो यहाँ पे 36 मंथ का प्लान जो है वो आपको सबसे सस्ता पड़ता है। अगर आप 36 मंथ के साथ जाते हैं, तो आपको 6300 की होस्टिंग पड़ती है 3 साल के लिए। वहीं अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं, तो वो आपको रफली 3400 के आसपास पड़ता है, जो कि टैक्स मिला के आई थिंक 4000 के आसपास पड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको पता है वो आपने कौन सा प्लान लेना है, 12 मंथ, 24 और 36 मंथ का। सो बेसिकली यहाँ पे आपको अपने प्लान को सिलेक्ट करना है, जो भी प्लान आप लेना चाहते हैं। एंड उसके बाद सिंपली नीचे आपको आना है, सिंपल इस पर टिक कर देना है। एंड टिक करने के बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट के बटन पे जब आप क्लिक कर देंगे, तो आप पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। एंड वहाँ पे बेसिकली आपको अपनी पेमेंट करनी होती है, काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, कार्ड्स का ऑप्शन मिल जाता है, वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं करके पेमेंट कर सकते हैं। एंड जब सक्सेसफुल पेमेंट आपकी डन हो जाएगी, देन उसके बाद अब आप फटाफट से अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पे सब कुछ करने के बाद यहाँ पे मेरे पास इस तरह का एक सक्सेसफुल मैसेज आएगा कि भाई आपकी जो परचेज आपने की है वो कंफर्मेशन हो चुकी है, उसे सक्सेसफुल वो हो चुका है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, आप सेटअप कर सकते हो अपने अकाउंट को। सिंपली आपको क्रिएट क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट। सो सिंपली यहाँ पे इस नेक्स्ट स्टेप पे आपको आपका डोमेन डला डला है मिलेगा, जो कि आपने यूज किया होगा। अब आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है और फटाफट से आगे प्रोसेस को बढ़ाना है। सो यहाँ मैं पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ फटाफट से। आई हैव रीड एंड एग्री। और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बटन पे सिंपली आपको करना है क्लिक। अब आपको सिंपली यहाँ पे गो टू लॉगिन के बटन पे करना है क्लिक। एंड आपका पासवर्ड जो भी आपने रखा था, वो पासवर्ड आपको डालना है और लॉगिन के बटन पे सिंपली आपको करना है क्लिक। क्रिएट योर वेबसाइट के बटन पे आपको सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्किप स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे आपसे यहाँ पे कुछ पूछेगा, आपको सिंपली इसको नन ऑफ दिस पे सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। और ये वाले स्टेप को भी आपको सिंपल स्किप द स्टेप करना है। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको इसको करना है लिमिट लेस कस्टमाइजेशन, इस वाले पे गेट स्टार्टेड करना है। एंड यहाँ पे आपको स्किप दिस स्टेप, देन अगेन स्किप दिस स्टेप, एंड यहाँ पे भी आने के बाद आपको स्किप दिस स्टेप। सो अभी आपके सामने आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। सो यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा, ब्लूहोस्ट का पैनल दिखाई देगा, जिसके अंदर कि यहाँ पे आपको माई साइट पे क्लिक करना है। सीधा यहाँ पे आपको आना है, आपका जो भी आपका डोमेन नेम होगा, उसके साथ आपको यहाँ पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होकर मिल जाता है। आपको सिंपली मैनेज साइट के बटन के ऊपर क्लिक करना होता है। सो के यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले सेटिंग वाले टैब में आना है। सेटिंग वाले टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है, ये कमिंग सून पेज ऑन नहीं होना चाहिए, ये ऑन है, इसको आपको ऑफ कर देना है सिंपली।
और उसके बाद आपको चेक करना है आपका SSL एक्टिवेट है या फिर नहीं है, जो कि आपको यहाँ पे इसके सिक्योरिटी वाले टैब में मिलेगा। आई थिंक यस, सिक्योरिटी वाले टैब में मिलेगा। अभी बिल्कुल मैंने आपके सामने ही डोमेन होस्टिंग को बाय किया है, तो इसमें कुछ टाइम लगता है। ये 2-3 घंटे का टाइम बोल रहा है, पर इतना टाइम नहीं लगेगा। ये मे बी 15 से 20 मिनट के अंदर ही सेटअप हो जाएगा सारा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा, बस आपको उस पर क्लिक करना है, आपका SSL एक्टिवेट हो जाएगा। आपको और कुछ भी नहीं करना, एक यहाँ पे टिक करना है आपको, और उसी के नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा एनफोर्स का, कि आपको HTTPS के ऊपर एनफोर्स करना है अपनी वेबसाइट को। इन दोनों चीज़ों को आपको बस सिंपल टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ आ रही है ये नहीं होनी चाहिए, आपका जो डोमेन नेम आपने सेलेक्ट किया था वो डोमेन नेम यहाँ पे होना चाहिए। सो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको अपना डोमेन नेम यहाँ पे एंटर करना है। इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे सेव अपडेट के बटन पे आपको करना है क्लिक। अब हम फटाफट से अपने वर्डप्रेस के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं लॉगिन टू वर्डप्रेस के बटन पे। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट वर्डप्रेस सेटिंग। यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखेगा वर्डप्रेस का, जो कि डैशबोर्ड है हमारा अभी जो लेटेस्ट वर्डप्रेस का अपडेट आया 5.9 के बाद। अभी सिंपली बेसिकली क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जितने भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, इनको अनटिक करके पहले तो इसको साइड ही करना है हमारे को। इनको हमें बिल्कुल क्लीन रखना है इस तरीके से, और इसको करना है हमारे को बंद। और अब सबसे पहले हमारे को जितने जो इसकी मेन सेटिंग है वो सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग पे आना है आपको, और सेटिंग पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपका जो भी साइट का टाइटल है वो आप रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहते हो, जो भी आपकी स्लोगन हो, जो भी कुछ फाइंड एवरीथिंग यू व्हाट यू वांट, कुछ भी ऐसा मतलब जो डालना चाहो डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिजनेस लिस्टिंग डायरेक्टरी, ठीक है ना। एंड टैगलाइन को डालना, टैगलाइन डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको मेक श्योर देखना है कि HTTPS होना चाहिए, एंड आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, एनीवन कैन रजिस्टर। और यहाँ पे आपको अपना जो टाइम जोन है उसको आप सेट कर लेना, तो आपका टाइम जोन जो भी आपका है कोलकाता के अकॉर्डिंग, इंडिया में आप रह जाओगे तो इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम जोन भी होगा, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सो यहाँ मैंने अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लिया है, एंड यहाँ पे आपको सिंपली इस पर सेव चेंजेस के ऊपर करना है क्लिक। एंड सेव चेंजेस पे करने के बाद यहाँ पे एक पेज और है आपका, जो है परमा लिंक का। ये परमा लिंक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, इस परमा लिंक पे आपको क्लिक करना है सिंपल। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको पोस्ट नेम का जो ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करके आपको सिंपली सेव चेंजेस के बटन पे करना है क्लिक। एंड ये बेसिक सेटिंग होने के बाद अब आपको एक काम करना है, प्लगइन वाले सेक्शन पे जाना है, जितने भी प्लगइन है सबको हमें रिमूव करना है। ये कोई भी प्लगइन हमारे को नहीं चाहिए, ब्लू होस्ट का छोड़ देंगे, बाकी सारे रिमूव हम कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आपको सिंपली सबसे पहले सारे सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपको पहले डीएक्टिवेट करना है, अप्लाई करना है, एंड डीएक्टिवेट करने के बाद सेलेक्ट ऑल और इस पर छोड़ के बाकी सबको आपको डिलीट करना है। सो यहाँ पे हमारे सारे के सारे प्लगइन जितने भी थे एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दिए हैं। अब बारी आती है हमारी यहाँ पे थीम की, जो थीम हमारे को यूज़ करनी है, प्रीमियम जो हम फ्री थीम इसमें यूज़ करने वाले हैं, उससे पहले बाकी जो थीम है इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, एंड इस वाली थीम को हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। ओके, एंड लास्ट थीम हमारी जो है इसको भी यहाँ पे हम डिलीट कर लेते हैं। अभी एक थीम बाय डिफॉल्ट रह जाती है, क्योंकि एक थीम तो रहेगी रहेगी हमेशा। थीम हमारी बेसिकली वेबसाइट का जो हमारा जो डिज़ाइन होता है वेबसाइट का वो होता है। अभी हमारे जो एक्टिवेट है वो है 2022, जो कि थीम कुछ इस तरीके की आपको दिख रही है। अब हमारे को सर्च करनी है हमारी फ्री थीम, जो कि आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए सिंपली आपको wordpress.org थीम के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है लिस्टिंग हाइव। एंड लिस्टिंग हाइव सर्च करने के बाद आपको जो पहली ये लिस्टिंग हाइव जब सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको एक ऑप्शन दिखेगा लिस्टिंग हाइव के नाम से। इसको आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल करना है, एंड इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको सिंपली एक्टिवेट करना है। एंड अब जो नेक्स्ट थीम हमारी थी उसको आप सिंपल सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई भी रिसोर्सेज हम अपने होस्टिंग के ऊपर नहीं रखेंगे। एंड ये हमारी जो थीम है अभी करेंटली एक्टिवेट है, और हर थीम की अपनी कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे को फ्री प्लगइन भी मिलते हैं, जिसको आपको यहाँ पे ऊपर आपको नोटिस दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस पर करना है बिगिन इंस्टॉल प्लगइन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल। सो यहाँ पे हमारा ये वाला प्लगइन भी इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करने के बाद इसको करते हैं एक्टिवेट, यहाँ पे सिंपली इसको एक्टिवेट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हमारी वर्डप्रेस की इंपॉर्टेंट सेटिंग थी जो वो हो गई है। हमने अपने थीम्स को भी इंस्टॉल कर लिया है, प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लिया है, और अपनी जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग थी वो हमने वर्डप्रेस की कर ली है। अब बात आती है यहाँ पे हमारे को डेटा इंपोर्ट करना है, हमें डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि लिस्टिंग वेबसाइट है इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अगर एक एक कंटेंट आप इंपोर्ट करोगे, एक एक कंटेंट आप ऐड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ
ऑटोमेटिक जो रेडीमेड डेटा होता है वो उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको पहले एक प्लगइन ऐड करना पड़ता है, ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है डेमो इंपोर्ट, और यहाँ पे जो पहला प्लगइन आपको आ रहा है वन क्लिक डेमो इंपोर्ट, इस पर आपको इंस्टॉल नाउ करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपली इसको एक्टिवेट करना है, एंड एक्टिवेट हो चुका है हमारा ये। एंड अब आपको सिंपली यहाँ पे अपेयरेंस पे होवर करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखेगा इंपोर्ट डेमो डेटा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। सो यहाँ पे हमारे को अब यहाँ पे आने के बाद अपना ये वाले ऑप्शन मिल जाते हैं इंपोर्ट कंटेंट, इंपोर्ट विजिट और इंपोर्ट कस्टमाइजर। ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, ये वाला ऊपर ऑप्शन आ रहा है इफ़ यू वॉन्ट स्टार्ट विद द लिस्टिंग हैव डेमो कंटेंट प्लीज फॉलो दिस स्क्रीनशॉट टू इंपोर्ट इट। यहाँ पे आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको आपका डेटा मिल जाएगा। ये रहा ऑप्शन यहाँ पे हाउ टू इंपोर्ट लिस्टिंग हैव डेमो कंटेंट, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे प्लीज डाउनलोड द डेमो कंटेंट फाइल, ये वाली जो फाइल है इसको आपको डाउनलोड करना है। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है डेमो द जो भी आपको था, यहाँ पे आपको ये डेमो जो है डाउनलोड हो जाएगा। सो ये आपका हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसको आपको सबसे पहले जिप फाइल है इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको तीन फोल्डर मिल जाएंगे इस तरह के, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कंटेंट का, विजिट का और कस्टमाइजर का। ये हमें सिंपल एक एक करके यहाँ पे ऐड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पहले अपने उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो ये रहा मेरा फोल्डर जिसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, कंटेंट, कस्टमाइजर और विजिट, तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। आपको सिंपली यहाँ पे आना है सेलेक्ट फाइल कंटेंट सेलेक्ट करना है, कंटेंट ओपन, एंड उसके बाद आपका आता है विजिट का सेलेक्ट विजिट ओपन, एंड उसके बाद आता है आपका कस्टमाइजर का सेलेक्ट कस्टमाइजर ओपन, दैट्स इट। आपको कंटिन्यू एंड इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। सो जब तक यहाँ पे कंटेंट हमारा इंपोर्ट हो रहा है आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप इस वीडियो को लाइक करना चाहो तो लाइक कर सकते हो अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही है तो, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना एंड वीडियो को लोगों तक शेयर भी जरूर करना। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो इंपोर्ट हो चुका है कंप्लीट, एंड यहाँ पे अब आप आ सकते हैं विजिट साइट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह की लग रही है देखने में। सो यहाँ पे देख रहे हैं लोगो, नेविगेशंस, हीरो सेक्शन, यहाँ पे हमारा ये कुछ कैटेगरीज, लिस्टिंग्स और नीचे यहाँ पे हमारा फुटर। एंड अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है होम पेज डिज़ाइन का। अब हम अपने होम पेज के डिज़ाइन को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल करना है जो कि बिल्कुल फ्री है और जबरदस्त है। यहाँ पे ऐड न्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है, एंड ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आता है ऑप्शन सर्च करने का। सिंपली आप यहाँ पे एलिमेंटर सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पे प्लगइन मिल जाएगा, इंस्टॉल नाउ। एंड इसी के साथ यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको एसेंशियल एडवांस फॉर एलिमेंटर, ये भी आप इंस्टॉल कर लेना, इसकी भी आगे जाके हमारे को जरूरत पड़ेगी। इसको भी यहाँ पे एक काम करते हैं, दोनों हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। इंस्टॉल प्लगइन के बटन पे यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है ये वाले लिंक पे, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे एक्टिवेट अप्लाई, दोनों को एक्टिवेट एक ही बार में हम कर देंगे अलग अलग ना करके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं मगर हमें जिन चीज़ों की जरूरत है वो उसमें ऐड होते हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट 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 और काउंट मी इन, नो थैंक्स भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे जो हमने अभी प्लगइन इंस्टॉल किया है उसकी जो सेटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, एंड अब एक काम करना है हमारे को सिंपली एक पेज क्रिएट करना है, और पेज क्रिएट करने के बाद अपने होम पेज के डिज़ाइन को डिज़ाइन करना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए सिंपली एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पेजेस में जाएंगे पहले, सबसे पहले हम एंड पेजेस में आने के बाद यहाँ पे ब्लॉग, होम, लिस्टिंग, प्राइवेसी एंड सैंपल, ये कुछ पेजेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सैंपल को हम कर देते हैं ट्रैश क्योंकि इस पेज की हमारे को जरूरत नहीं है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम कुछ पेज क्रिएट करेंगे जैसे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इस तरह के कुछ पेजेस को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे सिंपली आना है आपको ऐड न्यू के बटन पे करना है क्लिक। मैं अभी खाली होम पेज ऐड कर रहा हूँ, बाकी पेज हम बाद में क्रिएट करेंगे, पहले ये होम पेज हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको क्रिएट कर लेते हैं, बाकी पेजेस तो बहुत आराम से हम कर लेंगे। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको आपके पेज का नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे होम डाल देता हूँ, होम। एंड होम डालने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली पब्लिश पब्लिश करना है, एंड यहाँ पे अब आपको एडिट विद एलिमेंटर के बटन पे क्लिक करना है, इस पर आपको सिंपली यहाँ से क्लिक करना है। सो यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मगर आपको क्या करना है, हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग के बटन पे आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे हाइड टाइटल का ऑप्शन है, आपको इसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे यहाँ से हमारा टाइटल रिमूव हो जाएगा, एंड बाकी चीज़ें ठीक ठाक हैं। आपको सिंपली अब आना है यहाँ पे 9 डॉट्स के ऊपर। अब हमारे को हमारे एक तरफ डिज़ाइन ओपन कर लेते हैं, जो हमारा डिज़ाइन है, हमारे डिज़ाइन में क्या है, एक बैनर है और एक ये सर्च बार है और ये एक नॉर्मल हेडिंग है। तो सिंपली क्या करना है हमारे को, इस सर्च बार को और इस हेडिंग को यहाँ पे बेसिकली
कॉल कराना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है। अगर आप एलिमेंटर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत एलिमेंटर के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। एलिमेंटर में क्या है, काफ़ी सारे हमारे को विजिट्स मिलते हैं, उन विजिट्स को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं एंड उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑन हो जाती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम प्ले करके अपने डिज़ाइन को ठीक कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में आपको डिज़ाइन दिखता है, लेफ्ट साइड में हमारे को विजिट दिखते हैं, राइट साइड में यहाँ पे हमारे को कुछ बने बने टेम्पलेट्स तो मिलते हैं एलिमेंटर के। और ये प्लस के बटन पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आपको कितने पार्ट में आपका स्ट्रक्चर चाहिए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट या फिर जिस हिसाब से भी आपको चाहिए आप यहाँ से अपना स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे काम करते हैं, मैं इस वन स्ट्रक्चर को क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे को यहाँ पे हमारा हीरो सेक्शन बनाना है एंड यहाँ पे हमारे को क्या करना है, हमारे को सर्च बार हमारा ऐड करना है जो कि हमारा सर्च है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, तो हमारे को लिस्टिंग सर्च फॉर्म मिल रहा है, वेंडर सर्च फॉर्म मिल रहा है, हमारे को ये लिस्टिंग सर्च फॉर्म है इसको यहाँ पे सिंपल ड्रैग करना है। इसको ड्रैग कर दिया हमने एंड ड्रैग करने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमारे को दिख रहा है एंड उसके बाद बारी आती है यहाँ पे हमारी जो टैगलाइन है। तो टैगलाइन हमारी क्या है, फाइंड द बेस्ट सर्विसेज एंड ऑफर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे आना है आपको। सिंपली आने के बाद हेडिंग के बटन पे क्लिक करना है, हेडिंग के जो विजिट है इसको यहाँ पे आपको सिंपल ड्रैग कर देना है इस तरीके से कुछ, और आपको इसको सेंटर और आपका टेक्स्ट यहाँ पे सिंपल जो भी आपका टेक्स्ट आपने रखना है वो टेक्स्ट आप यहाँ पे रख सकते हो। जोन सा भी फॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हो, एक ही बारे में अपने फॉन्ट को भी आप डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, वेबसाइट में यहाँ पे फॉन्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप एक ब्यूटीफुल प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपके जो कलर कॉम्बिनेशन होता है और फॉन्ट की जो स्टाइलिंग होती है वो मैचिंग होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम इन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको साइट सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। साइट सेटिंग पे आने के बाद आप यहाँ पे अपना कलर कॉम्बिनेशंस हो गया, फॉन्ट हो गया, उनको ठीक कर सकते हैं। जैसे कलर आ गया, कुछ प्राइमरी कलर आपको डिफाइन करना है, जैसे ब्लू कलर अभी आ रहा है यहाँ पे, ब्लू की जगह आप कोई और कलर यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे हम ये वाला कलर यूज़ करना चाहते हैं, रेड वाला कलर यूज़ करना चाहते हो, ये वाला कलर हम यूज़ कर सकते हैं अपनी हेडिंग्स में, है ना। तो हम रेड कलर को एक बार डिफाइन कर देंगे, जो भी हमारा रेड कलर होगा उसको हम यहाँ से वहाँ पे कॉल करा लेंगे। तो जो भी हमारा रेड कलर, एक बार देख लेते हैं रेड कलर हमारा कैसा है, ये हमने कॉपी कर लिया एंड अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद मैं इस पर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा ये कलर बन गया हेडिंग का, यहाँ पे देख रहे हो आप, अपने आप वो कलर चेंज हो गया। इसी तरीके से आप सेकेंडरी कलर और भी जो भी कलर आपको यूज़ करने हैं वो ऐड कर सकते हो एंड इसको यहाँ पे सिंपली आप अपडेट करना चाहो तो अपडेट भी कर सकते हो या फिर बाद में भी इसको सेव कर सकते हो। इसी तरीके से आप फॉन्ट को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, जो भी आपका प्राइमरी फॉन्ट होगा आप यहाँ पे आके जो भी आप रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे पॉपिंस को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसमें पॉपिन कर देता हूँ और इस वाले में भी पॉपिंस कर देता हूँ, टेक्स्ट में भी मैं पॉपिंस कर देता हूँ। तो मुझे बार बार जो फॉन्ट फैमिली है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार बस मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा, बार बार मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमारी वेबसाइट की स्पीड भी ठीक रहती है एंड एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए भी अच्छी चीज़ रहती है। तो ये हमारा हो गया, इसको हम सिंपली यहाँ पे अपडेट कर देते हैं एंड इसको भी यहाँ से हम क्लोज़ कर देते हैं। अब हम अपने दोबारा एडिटर में पहुँच चुके हैं एलिमेंटर के, जहाँ पे हम अपने विजिट्स को डाल के ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारे को दो चीज़ें यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं, हमारा जो सर्च बार है एंड हमारी जो हेडिंग है। अब हमारे को ऐड करना है इस तरह की इमेजेस को, जो हमारा बैनर है, जो कि हमारा हीरो सेक्शन का बैकग्राउंड है। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इन 6 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। 6 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको लेआउट, स्टाइल और एडवांस, ये ऑप्शन मिलता है एंड लेआउट में आने के बाद आप इसको फुल वेट कर सकते हैं, आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं एंड यहाँ पर आने के बाद आप स्टाइल में इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के यहाँ पे जो क्लासिक का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप इमेज को सिंपली अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, सो यह मैंने यहाँ पे अपना ओपन कर लिया फोल्डर जहाँ पे मेरी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। ये सारी फाइलें अगर आपको चाहिए होंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको जिप करके डाल दूंगा, वहाँ से आप पिक करना चाहो तो डाउनलोड कर लेना, आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसको यूज़ करके, है ना। तो यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपने बैनर को ओपन कर लेता हूँ एंड मेक श्योर जितनी भी आप इमेज यूज़ करो उसको ऑप्टिमाइज़ करके ही डालना। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे टाइनी PNG नाम से एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ड्रैग कर लेना जो भी आपकी वेब पी हो, PNG हो, JPEG हो एंड इसको ये ऑप्टिमाइज़ कर देगा। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद ही आपको अपलोड करना, उससे पहले अपलोड मत करना। हैवी इमेज अपलोड करोगे फिर आपकी साइट हैवी हो जाएगी, जल्दी खुलेगी नहीं, तो फिर आप लोग परेशान होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड यहाँ पे ऑल टेक्स्ट के आपको टेक्स्ट जरूर डालना, जैसे कि आपका बैनर है तो आप यहाँ पे बैनर लिख सकते हो एंड यहाँ पे आपको इंसर्ट मीडिया, सो इस तरीके का कुछ बैनर आपको दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब बैनर की कुछ सेटिंग्स होती हैं, पोजीशन क्या रहेगी, हम इसको सेंटर सेंटर कर देते हैं एंड यहाँ पे इसको हम कर देते हैं कवर एंड यहाँ पे अटैचमेंट इसकी आप स्क्रॉल रखना चाहते हो, फिक्स रखना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट ठीक है एंड यहाँ पे आने के बाद एक बारी इसकी जो मिनिमम हाइट है, यहाँ से हम इसकी हाइट है
इसकी मिनिमम हाइट डिफाइन कर देते हैं 400 या फिर 450, जो भी ठीक लगे वो हम डाल देते हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये मैंने सेंटर सेंटर कर दिया, इसको मैं सेंटर टॉप कर देता हूँ ना, सेंटर टॉप ठीक रहेगा आई थिंक, ये ठीक रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और आपके बैनर की जो हाइट है, जो भी आपको रखनी है अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। 400 करनी है 400 कर सकते हो, 450 450, 500 करनी है 500 कर सकते हो। जो भी आपको बैनर की अपनी हाइट वाइट रखनी है वो आप रख सकते हो। इस तरीके से आपका ये बैकग्राउंड में ऐड हो जाता है और आपका ये इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई, और एक चीज़ हमारी यहाँ पे ये और है कि ये वाला जो हमारा सेक्शन है इसको हम थोड़ा ऊपर से नीचे डाउन करना चाहते हैं। तो इसको सिंपली आप एडवांस पे जाएंगे, एडवांस पे आने के बाद इस लिंक वाले बटन पे क्लिक करके इसको अनलिंक करना है आपको। टॉप से आप इसको कर सकते हैं 20 या फिर 30, और जो आपका ये फॉन्ट है इसको आपको बोल्ड करना है। तो यहाँ से स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आने के बाद टाइपोग्राफी में आएंगे, कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में आकर सिंपली आप पे इस आइकन पे क्लिक करना है एडिट के, और यहाँ से आप इसके फॉन्ट को 600 करना है, 700 करना है, आप इसको अपर केस करना चाहते हो, स्टाइल इसका इटैलिक करना चाहते हो, कुछ इस तरीके कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसको आपको ब्लैक करना है, जैसे कि हमारे डिज़ाइन में ब्लैक है, तो आप सिंपली यहाँ पे आएंगे इसको ब्लैक कर देंगे, इस तरीके से ये ब्लैक हो जाएगा। तो ये तो था हमारा बैनर का सेक्शन, जो कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके नीचे कुछ ऑप्शन दिख रहा है, कुछ इस तरह का आपको डिज़ाइन आ रहा है। ये डिज़ाइन बनाना है तो कैसे बनाना है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे शेप डिवाइडर का ऑप्शन है। शेप डिवाइडर में बॉटम का ऑप्शन आता है। बॉटम में यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे माउंटेन्स टाइप का बना सकते हो, कुछ इस तरीके का देखने में ये भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके कुछ करना है, हाइट थोड़ी कम करनी है हाइट कम कर सकते हो, या फिर माउंटेन के अलावा कुछ ड्रॉप्स हो गई, क्लाउड्स हो गए, कुछ अलग जिगजैग हो गया, टिल्ट हो गया, कुछ इस तरीके का ओपेसिटी वाला हो गया, है ना। बट मैंने जो यूज़ किया है वो आई थिंक यूज़ किया है ब्रश, वेव ब्रश, कुछ इस तरीके का यूज़ किया हुआ है। अब आपके ऊपर जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आप रख सकते हो। उसको फ्लिप करना है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक करना है, वो सब ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एंड ये हमारा हेडर सेक्शन, जो हीरो सेक्शन है वो हमारा यहाँ पे हो चुका है। एंड इसके बाद बारी आती है हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, जो आती है मोस्ट सर्चेबल कैटेगरीज। तो यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं एंड जाते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद करते हैं, अपने डिज़ाइन में जाके यहाँ पे काम करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, इसको लेते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे आप इस 9 डॉट पे क्लिक करना है, हेडिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे डालना है आपको, और यहाँ पे अपने टेक्स्ट जो है इसको आप डालना है मोस्ट सर्चेबल कैटेगरीज, और इसको यहाँ पे सिंपली आपको सेंटर करना है। उसके बाद आपकी जो कुछ कैटेगरीज आ रही हैं, कैटेगरीज कैसे आएंगी, आइकन्स के साथ जो आ रही है, इमेज के साथ आ रही है, इसको कैसे सेट कर सकते हैं, इसके लिए काम करेंगे। यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करेंगे, ये जो इनर सेक्शन वाला ऑप्शन है, इस इनर वाले सेक्शन को यहाँ पे ड्रैग करना है सिंपली। यहाँ पे ये दो हमारे को पार्ट में यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक पार्ट में हमारे को यूज़ करना है इमेज बॉक्स, ये वाला इमेज बॉक्स आ रहा है, इसको सिंपली आपको यहाँ पे बस ड्रॉप करना है। एंड ड्रॉप करने के बाद हमारे को जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, जो हेडिंग है वो ब्लैक कलर में है और आइकन आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमारे को हमारी इमेज यूज़ करनी है, जैसे कि हमारी पहली क्या है, फर्नीचर, है ना। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, एक काम करता हूँ जितने भी हैं ना सारे मैं एक बारी में अपलोड कर देता हूँ, बाद में मुझे खोलना नहीं पड़ेगा फिर। मेक श्योर जितनी भी इमेजेस आप यूज़ करें उनको ऑप्टिमाइज़ करके और उनका ऑल टेक्स्ट जरूर यूज़ करना है, वो SEO के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, फर्स्ट ऑप्शन था फर्नीचर का, फर्नीचर को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस पे, और जो हमारा फर्नीचर है तो यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में फर्नीचर को हम यूज़ करेंगे। इंसर्ट मीडिया, एंड यहाँ पे आने के बाद हमारी जो हेडिंग है, हेडिंग को हम करेंगे फर्नीचर, है ना। तो फर्नीचर आ गया कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे सेटिंग में आएंगे, स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आने के बाद आपको उसकी विड्थ वगैरह कितनी रखनी है, हम यहाँ पे इसको 50% रखते हैं। एंड जो इसका हमारा टेक्स्ट रहेगा इमेज का कंटेंट का, उसको हम यहाँ पे हम ब्लैक कर लेते हैं, इस तरीके से कर देते हैं ब्लैक, चलेगा, इस तरीके का ब्लैक कर लिया हमने। एंड स्पेसिंग कम कर देते हैं, ठीक है। और कुछ जैसे एनिमेशन रखना है हमारे को होवर पे, हम यहाँ पे एनिमेशन रख सकते हैं, जैसे कि श्रिंक, कोई होवर करे कुछ इस तरीके का हो जाए ना, इस तरीके का एनिमेशन आप डाल सकते हो। बहुत सारे एनिमेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ पे आके देख सकते हो। तो इस तरीके से एक ऑप्शन हमारा क्रिएट हो चुका है, इसी में आपको लिंक ऐड करना हो तो लिंक कैसे ऐड करेंगे, यहीं पे लिंक का ऑप्शन आता है। जो भी आपकी कैटेगरी का लिंक होगा उस लिंक को आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं भी हैश पास करा रहा हूँ लिंक बनाने के लिए, आपकी जो भी कैटेगरी का लिंक होगा वो आप यूज़ करेंगे, वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक बन चुका है, अब हमारे को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसी को हमारे को डुप्लीकेट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर देते हैं एक बारी और वन टाइम मोर, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे 8 आ चुके हैं, इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट। अब हमारे को इसको बस फटाफट से आइकन चेंज करने हैं, और सबसे पहले हमें काम करेंगे इस पर 9.6 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ से इसको फुल विड्थ सेलेक्शन स्ट्रेस सेक्शन है ना, ताकि ये फुल विड्थ में नज़र आए। सो अभी क्या करना है, एक एक करके फटाफट सारे आइकन में चेंज कर लेता हूँ। अप्लाइंसेस, यहाँ पे अप्लाइंसेस को जाके अप्लाइंसेस को हम पकड़ते हैं फटाफट से। अप्लाइंसेस कौन सा, ये हमारा अप्लाइंसेस है, इसको यहाँ पे डालना है। इंसर्ट मीडिया, और हमारा जो टेक्स्ट है इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसी की तरह हमारा नेक्स्ट है सर्विसेज, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, इस पर जाएंगे आइकन पे, सर्विसेज को पकड़ेंगे फटाफट से। इंसर्ट मीडिया। सो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये 8 कैटेगरी ऐड हो चुकी हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐड हो रखी थी, है ना। इसको एक बार देखते हैं कैसे दिख रहा है, एग्जैक्ट वैसा ही दिख रहा है जैसे वहाँ पे आपको दिख रहा है। बस यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट बहुत बड़े हैं, यहाँ पे टेक्स्ट ये छोटे थे, तो इन टेक्स्ट को छोटा करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस पर जाना है, यहाँ पे स्टाइल में जाना है यहाँ पे आपको, और जो कंटेंट है कंटेंट पे क्लिक करके जो हमारा ये टाइटल है, इस टाइटल की टाइपोग्राफी में जाना है आपको। एंड यहीं पे आके अपने टाइपोग्राफी में आप सेलेक्ट कर सकते हो 16 पिक्सल, आई थिंक ठीक रहेगा। और सिंपली इसको आपको सिर्फ कॉपी करना है, और अब दूसरे पे जाना है, इस पे आपको आपके इस आइकन पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्टाइल। सो सिंपली यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और इसको पेस्ट स्टाइल करना है, इस पे भी राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल, राइट क्लिक पेस्ट स्टाइल, राइट क्लिक पेस्ट स्टाइल, राइट क्लिक पेस्ट स्टाइल, राइट क्लिक एंड पेस्ट स्टाइल। सो अब आपको कुछ देखने में इस तरह दिख रहा है, माउस इफेक्ट, बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्ट वैसी ही हैं, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है यहाँ पे हमारा, इस पर हमें क्लिक करना है, ऊपर का गैप हमारा ठीक नहीं है, इसके लिए आपको इन 6 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे एडवांस में आने के बाद आपको ये जो लिंक हो रखा है इसको अनलिंक करना है, एंड टॉप से इसको आप 50 कर सकते हो, ताकि एक गैप आ जाए देखने में, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। एंड उसके बाद हमारी बारी आती है ये वेरीफाइड एंड हॉट डील्स की, तो इसके लिए आपको सिंपली इसको कॉपी करना है, एंड अगेन यहाँ पे आना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है, इस सेक्शन पे यहाँ पे आना है आपको, और अब आपको अपनी हेडिंग को यहाँ पे विजिट को ड्रॉप कर देना है, एंड आपको जो भी टेक्स्ट है उसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सेंटर में करेंगे। एंड अब बारी आती है हमारे इस वाले सेक्शन की, जो कि हमारा है प्रीमियम सेक्शन कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये फीचर्ड लिस्टिंग है, इसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं, प्रोडक्ट को फीचर कर सकते हैं लोगों से, उसके बदले पैसे ले सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको आना है, लिस्टिंग करना है सर्च, आपको लिस्टिंग कैटेगरी, लिस्टिंग सर्च फॉर्म और लिस्टिंग, तो यहाँ पे हम लिस्टिंग को पकड़ेंगे और इसको यहाँ पे हम सीधा इसके अंदर यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिख रहे हैं, अब यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है डिस्प्ले ओनली फीचर लिस्टिंग, तो यहाँ पे खाली फीचर लिस्टिंग ही दिखेंगी, तो यहाँ पे बैकेंड से खाली 2 ही फीचर लिस्टिंग है, अगर ज़्यादा होती तो ज़्यादा दिखती। आप कैसे एनेबल कर सकते हो फीचर लिस्टिंग को, अभी हम होम पेज डिज़ाइन कर लेते हैं, देन मैं आपको वो भी जाके बैकएंड में दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट की फीचर लिस्टिंग को आप कैसे ऐड कर सकते हो, उसमें फीचर लिस्टिंग कैसे बना सकते हो उसको। एंड यहाँ पे आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, जितनी भी कैटेगरी होगी सारी, अगर आप कोई नहीं सिलेक्ट करोगे तो सब प्रोडक्ट में से दिखेगी जो भी फीचर होगा। अगर आप बाई चांस कोई सर्च कर लेते हो, जैसे कि ये है हमारा रूम है ना, तो यहाँ से आप सर्विसेज अगर कर लेते हो तो सर्विसेज की कोई भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे रियल स्टेट का करते हो, रियल स्टेट में से एक है। अगर आप यहाँ पे फॉर सेल कर लेते हो तो फॉर सेल में से भी यहाँ पे एक है। तो आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे जितनी कैटेगरी हो उन कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आप लिस्टिंग कर सकते हो फीचर, ठीक है। तो ये तो हमारे प्रोडक्ट इस तरीके से आते हैं। आप इसको 4 कॉलम में करना चाहते हो तो 4 कॉलम में आ जाएगी, जैसे कि हमारे यहाँ पे 4 कॉलम में दिख रहे थे, तो यहाँ पे 4 कॉलम में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये लिस्टिंग भी आप सेट कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये स्टार का आपको दिख रहा है ना, ये जो स्टार का मतलब है ये फीचर्ड है। अगर यहाँ पे और बैकग्राउंड से, बैकएंड से मैं अगर फीचर कर दूंगा लिस्टिंग को, तो यहाँ पे दिखनी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप टेंशन मत लेना कि वहाँ पे तो 4 दिख रही थी और यहाँ पे मेरे को 2 ही मैंने ऐड करके दिखाई, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पे अगर पीछे से मैं ऑन कर दूंगा दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको 6 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, एडवांस, अनलिंक एंड टॉप से इसको 50 करना है, ताकि एक बराबर गैप होना चाहिए, प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए आपकी वेबसाइट में। उसके बाद हमारा सेक्शन आता है यहाँ पे एक ऐड का, तो ऐड को ऐड करने के लिए सिंपल है, या तो इमेज ऐड आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो कि गूगल ऐड की ऐड होती है उसमें आपको लिंक कोड मिलता है, HTML कोड होता है, वो कोड को सिंपल आपको पेस्ट करना होता है, आपकी ऐड दिखनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको इमेज बेस्ड दिखाने वाला हूँ, तो सिंपली एक काम करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लेते हैं,
इमेज को यहाँ पे ड्रैग करते हैं एंड यहाँ पे इसको फुल वेट कर देते हैं, फुल सेलेक्ट करते हैं, अपलोड करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक इमेज बना रखी, ये वाला बैनर है ना, इस बैनर का जो भी आपका टेक्स्ट रहेगा वो आपको ज़रूर यूज़ करना है। एड्स है तो एड्स बैनर कर सकते हो, है ना, इंसर्ट मीडिया, इस तरीके से आपका ये ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। इस पर आप अगर किसी का कोई वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो, लिंक ऐड करना चाहते हो, तो लिंक भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिंक में हम कस्टम लिंक कर लेते हैं, या फिर किसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो। तो यहाँ पे कस्टम लिंक में आप हैश पास करा रहा हूँ मैं, या फिर एक काम करता हूँ, मैं हैश पास क्यों करा रहा हूँ, मैं ये वाला लिंक ही पास करा देता हूँ ना, ब्लू होस्ट की ऐड है तो मैं उसका लिंक ही यहाँ पास करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस लिंक को ऐड कर देता हूँ, इस पर कोई क्लिक करेगा तो ब्लू होस्ट की साइट पे चला जाएगा, और उसको ब्लू होस्ट से होस्टिंग बाय करनी हो तो वो कर सकता है। अगर आपको करनी हो तो आप इस लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको आपको अपडेट करते रहना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो जो आप काम करते जा रहे हो साथ साथ आप इसको अपडेट करते रहो। एंड अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है, ये वाला सेक्शन आता है जो कि होम एंड बिजनेस सर्विसेज का। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इस सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली जाना है इस पर, आपको करना है कॉपी एंड अब इस पर आके आपको करना है सिंपल पेस्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे होम एंड बिजनेस सर्विसेज है तो यहाँ पे पाएंगे इस टेक्स्ट के ऊपर, बस आपको कंटेंट को चेंज करना है होम एंड बिजनेस सर्विसेज। एंड अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो फीचर लिस्टिंग है इसको एक तो हटा देना है, एंड यहाँ से आने के बाद आपको सर्विसेज इस पर क्लिक करना है। आपकी जो सर्विसेज होंगी वो सारी सर्विसेज दिखनी शुरू हो जाएंगी, एंड यहाँ से इसको फोर कर देते हैं तो फोर लिस्टिंग यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही है सेम वैसे ही आपको दिखनी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। एंड यहाँ पे बीच में इसका देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर आ रहा है, वो कलर कैसे हम ऐड कर सकते हैं या फिर बटन कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको दो मिनट में बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको इन सिक्स डॉट पर क्लिक करना है, और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फुल विड्थ करना है, स्ट्रेच करना है, एंड यहाँ पर आने के बाद स्टाइल में आपका जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप ऐड कर सकते हो। इस पर आपको क्लिक करना है, जो भी कलर आप ऐड करना चाहो वो कलर आप ऐड कर सकते हो। तो मेरा थोड़ा येलो टाइप में है, कुछ इस तरीके का कलर ही है आई गेस, हाँ ऐसा ही कलर है। और यहाँ से आप इस तरीके से ये सेक्शन बना सकते हो, मगर ये स्ट्रेच नहीं है और मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिक्स डॉट भी क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, इसको हमें करना है फुल विड्थ बॉक्स आई गेस, यस इस तरीके से होगा ये। और यहाँ पे आपको इसमें इनर पैडिंग देनी पड़ेगी, उसके लिए सिक्स डॉट पे क्लिक करना है एडवांस, क्योंकि ये देख रहे हो ना टेक्स्ट बिल्कुल इसके साथ भी चिपक रहा है, नीचे भी गैप नहीं है। तो इंटरनल स्पेस के लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं एंड एक्सटर्नल स्पेस के लिए हम मार्जिन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पैडिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे पैडिंग में हम टॉप पे कर देते हैं इसको 50 और बॉटम से भी इसको कर देते हैं हम 50, ठीक है। तो इस तरीके से गैप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे यहाँ पे, ये बटन को ऐड करना है, बटन कैसे ऐड कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे बटन के लिए आपको 9 डॉट पे क्लिक करना है, ये बटन का आपको विजेट मिल रहा है, इस पर आपको सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर देना है, इसको यहाँ पे सेंटर करना है। सेंटर करने के बाद इसको कलर को हम चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से प्ले करना हो प्ले कर सकते हैं। एक्सप्लोर होम बिजनेस सर्विसेज, तो एक काम करते हैं, होम एंड बिजनेस सर्विसेज है ना, इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा टेक्स्ट है इसको यहाँ पर डालते हैं, एक्सप्लोर होम एंड बिजनेस सर्विसेज। आइकन भी हम यूज़ करने वाले हैं, तो आइकन हमें यूज़ करना है कुछ एरो टाइप का, कुछ भी आइकन जो आपको लगे यूजबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आइकन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे हैंड यूज़ कर सकता हूँ, एरो यूज़ कर सकता हूँ, जो आपको यूज़ करना हो यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने इस तरह का यूज़ किया हुआ है, आई थिंक ये यूज़ किया हुआ है, ये यूज़ कर लेते हैं। इंसर्ट, अब यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है, कलर कैसे चेंज होगा उसके लिए, कलर के लिए आपको स्टाइल में आना पड़ेगा। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाता है, नॉर्मल पे हम रखेंगे इसको, नॉर्मल में कैसा है ये, नॉर्मल में वाइट है, नॉर्मल में रखेंगे इसको हम वाइट। टेक्स्ट इसका हम रखेंगे ब्लैक, एंड बॉर्डर टाइप इसका हम करेंगे सॉलिड, बॉर्डर की विड्थ कर देंगे हम 2 या फिर 1 काफ़ी है 1, एंड बॉर्डर का जो हमारा कलर रहेगा वो भी थोड़ा ब्लैक टाइप का हम कर देते हैं, ओके इस तरीके का आपका दिखेगा। और होवर में हमारा कलर आना चाहिए, तो होवर में कलर नहीं, होवर पे क्लिक करेंगे, होवर में हमारे टेक्स्ट का कलर हमें क्या रखना है, टेक्स्ट के कलर के लिए हमें काम करते हैं, यहाँ से ये ले लेते हैं जो हमारा बैकग्राउंड कलर रहेगा, उसको भी यहाँ से ये वाला बना लेते हैं, और जो हमारा बॉर्डर कलर है उसको भी यहाँ से हम ये वाला बना लेते हैं। तो इस तरीके का
सो भी क्या हो गया, कुछ इस तरीके का हो गया, मगर यहाँ पे हमसे गलती हो गई। टेक्स्ट कलर हमारा जो रहेगा वो वाइट रहेगा ना, टेक्स्ट वाइट रहेगा तभी तो नज़र आएगा, टेक्स्ट कलर वाइट रहेगा खाली हमारा वो ही चेंज होगा, इस तरीके का हमारा ये दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, बॉर्डर कलर को हम यहाँ पे कर देते हैं रेड, तो इस तरीके का दिख रहा है बिल्कुल परफेक्ट जैसे वहाँ पे है वैसे भी है। आप इसको ग्रेडियंट करना चाहो तो ग्रेडियंट भी कर सकते हो, और नॉर्मल करना चाहो तो नॉर्मल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये बनता है बटन, और इसमें लिंक जो ऐड करना है वो लिंक आप यहाँ से ऐड करते हैं। अभी मैंने हैश पास करा रखा है, मैं अभी आपको बताऊंगा इसके लिंक कैसे मिलेंगे आपको और कैसे इसमें आप लिंक ऐड कर सकते हो। तो ये सेक्शन भी हमारे यहाँ पे बन चुका है। अब इसके बाद बारी आती है प्रॉपर्टी बाय रेंट एंड पीजी की। तो एक काम करते हैं, यही वाला सेक्शन पूरा कॉपी कर लेते हैं जैसे अभी हमने ऊपर किया था कॉपी, एंड यहाँ पे इसको करेंगे हम सिंपली पेस्ट। अब क्या करेंगे, ये वाला जो गैप है यहाँ से आके इस गैप को हम यहाँ से ज़ीरो कर देंगे, एंड जो ये बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड को स्टाइल में आके यहाँ से हम हटा देंगे, ये वाइट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे को क्या यूज़ करना है, प्रॉपर्टी बाय रेंट एंड पीजी, और यहाँ पे आएंगे इस पर हम क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे, एंड इस आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम सर्च कर लेंगे रियल स्टेट। रियल स्टेट की खाली यहाँ पर चीज़ें हमारे को दिखनी चाहिए, और उसका ही लिंक यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी ये चीज़ें भी ऐड हो गई। फिर नीचे दोबारा एक वो आ गया, क्या कहते हैं, ऐड आ गई। अगर आपने ऐड दोबारा कॉल करानी है सिंपली आपको यहाँ से काम करते हैं, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड यहाँ पे आएंगे सिंपली पेस्ट। इस तरीके से यहाँ पे ऐड दोबारा दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका गैप ज़्यादा लग रहा है आपको, तो यहाँ पे आके एडवांस, तो यहाँ पे इसका गैप हमारा इसकी वजह से आ रहा है, तो इसके हमारे को इससे कुछ नहीं होगा, हमारे को इस पर आना पड़ेगा। और यहाँ पे आने के बाद इस पर एडवांस में आएंगे, और यहाँ पे इसका जो बॉटम में पैडिंग है ना वो ज़्यादा है, इसको हम 30 कर देंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद बारी आती है ये वाले सेक्शन की, जो कि काउंटर है। ये कैसे क्रिएट होगा ये भी फटाफट से देख लेते हैं। काउंटर हमारे को 3 सेक्शन वाले पार्ट में चाहिए होगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सर्च करेंगे काउंटर, और ये काउंटर वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3, इसको आपको सिंपली यहाँ पे ट्रैक कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपको डालना है, 30,000 हैप्पी यूज़र, आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया 30,000, और यहाँ पे आप डालेंगे हैप्पी यूज़र, है ना। अब इसकी स्टाइलिंग वगैरह कैसे होगी, स्टाइलिंग में आएंगे, यहाँ पे आप कलर चेंज करना चाहो जो भी आप कलर चेंज कर ले डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी है आपकी टाइटल की, उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से टाइपोग्राफी में जाके, इसको सॉलिड करना है सॉलिड कर सकते हैं, हैवी हो जाएगा। इसी तरीके से सिंपली इसको आपको डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करना है, और ये वाले कोई काम करते हैं, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे आने के बाद क्या है, 200 वेरीफाइड एक्सपर्ट हैं, तो यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे आएंगे वेरीफाइड एक्सपर्ट, और इसको हम कर देंगे 200, और उसके बाद है यहाँ पे 90+ कैटेगरीज। और यहाँ पे प्लस का साइन कैसे आएगा, प्लस के साइन के लिए आपको यहाँ पे जो नंबर सफिक्स है इस पर आप कर देंगे यहाँ पे प्लस, है ना, उस तरीके से आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपका क्या है, ये है 90+ कैटेगरीज, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे 90+, और यहाँ पे आपको सिंपली कैटेगरी, है ना, इस तरीके से आपका एक काउंटर बन जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, एडवांस में जाना है, गैपिंग के लिए तो वही सिंपल आपका फंडा रहेगा हर जगह, आपको सिंपली यहाँ पे 50 करना है, और आपका इस तरह का एक काउंटर बन जाएगा। काउंटर के बाद बारी आती है इस सेक्शन की, इस सेक्शन को कैसे बना सकते हो आप वो भी देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये वाला सेक्शन कॉपी कर लेते हैं, तो बैकग्राउंड सेम आ जाएगा ना, नहीं तो अलग अलग बैकग्राउंड आएगा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, एंड इसको भी यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, और इस बटन की आई कैस हमें ज़रूरत नहीं है, तो बटन को भी यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। तो अभी इस तरीके का सेक्शन दिख रहा है हमारे को, हमारे को 2 पार्ट में चाहिए, जैसे कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं यहाँ पे इसको सिंपली डुप्लीकेट, 2 पार्ट हो गया, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ लेआउट में स्ट्रक्चर का आपको ऑप्शन मिलता है, तो हमारे को स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, लेफ्ट सेक्शन बड़ा होना चाहिए, राइट सेक्शन छोटा होना चाहिए। सो इसके लिए आपको सिंपली ये कॉपी करना है, यू कैन बाय सेल और रेंट एनी थिंग यू कैन थिंक, इसको कॉपी करना है सिंपली आपको यहाँ पे, एंड अब यहाँ पे आपको यूज़ करना है 9 डॉट पर क्लिक करना है, आइकन आइकन लिस्ट ये वाला ऑप्शन है, इसको आप सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, एंड इनको यहाँ से हटा के इसको भी हटा देंगे, और इस पर यहाँ पे आपको टेक्स्ट को पेस्ट करना है सिंपली, और आपका जो भी आइकन है वहाँ पे इस तरह के आइकन को आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है
आपको बिजनेस टाइप का है, इंसर्ट, एंड यहाँ पे इसके स्टाइलिंग ठीक कर लेते हैं, आइकन को बड़ा कर लेते हैं और उसको ठीक कर लेते हैं। उसके लिए सिंपली आपको स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद आपका आइकन जो है उसका साइज़ आप बढ़ा सकते हो यहाँ से, है ना, इस तरीके का आइकन का साइज़ आप बढ़ा सकते हो। और जो आपका टेक्स्ट है उसको सिंपली टाइपोग्राफी में आपको जाना है, और टाइपोग्राफी में जाने के बाद आप सिंपली जो भी आपका टेक्स्ट का साइज़ आपने रखना है 26, 24 या फिर जो भी आपको रखना है उसको इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, डेकोरेशन में जाना है, स्टाइल में जाना है, इटैलिक करना है, यहाँ से इसको 600 कर देना है। और कलर चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो कलर के लिए काम करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के लिए यहाँ पे आना है, प्राइमरी सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी टाइपोग्राफी में जाके उसको यहाँ पे आप ओपन्स में 34 यहाँ से इसको आप इटैलिक। और राइट साइड में आपको क्या रहेगा, राइट साइड में आपका एक बटन रहेगा, जो कि बटन ऊपर भी हमने यूज़ किया था कुछ इस तरीके का था, और नीचे ये वाला इस तरीके का यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके का बटन भी आराम से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। यहीं पे आपको क्लिक करना है, बटन वाले सेक्शन पे आना है, यहाँ पे इसको आपको ड्रैग करना है, एंड अब इसको आपको राइट साइड में रखना है यहाँ पे, एंड राइट साइड में रखने के बाद जो भी आपका टेक्स्ट है, लिस्टिंग योर बिजनेस, है ना, तो यहाँ पे काम करेंगे, इसको करते हैं लिस्ट योर बिजनेस, और इसमें आइकन लगा देंगे प्लस का, एंड प्लस का आइकन आपको कहाँ मिलेगा, प्लस इस तरीके का इंसर्ट, और इसको आपको करना है यहाँ पे स्टाइल में आना है, इसके स्टाइल में आने के बाद आपको इसको रेड करना है, जो भी कलर करना है, जो आप चाहते हो वो कलर आप यहाँ से कर सकते हो, इस तरीके का बना सकते हो, या फिर आप इस तरीके का होवर वाला रखना है, होवर वाला बना सकते हो, जैसे हमने अभी सेम यहाँ बनाया था सेम वैसे कर सकते हो। एक काम करते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट स्टाइल, इस तरीके का आ रहा है ये, तो एक काम करते हैं इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमारे को इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, बैकग्राउंड को एक काम करते हैं यहाँ से हटा देते हैं, वाइट कर देते हैं, और जो कलर है हमारा कलर ये वाला रहेगा इस तरीके का, ठीक है ना। और यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे रेडियस इसका कर सकते हो 5, तो इस तरीके से रेडियस हो जाएगा, और दैट्स इट, 2, 3 जो भी आपको करना है वो मतलब कर सकते हो। उसको बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है कंटेंट में, और कंटेंट में आने के बाद स्मॉल है, इसको आप मीडियम कर सकते हैं, इसको आप लार्ज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको मीडियम कर देते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको लेआउट में यहाँ पे वर्टिकल अलाइन इसको मिडल करना है, ताकि ये इसके सेंटर में आ जाए, सामने देखने में अच्छा लगे। और यहाँ पे आपको सिंपली लिंक डालना है आपका लिस्ट योर बिजनेस का, वो सब कुछ अभी बताऊंगा, लिंक वगैरह कौन से कहाँ से कैसे मिलेंगे। अब ये सेक्शन आता है 2 पार्ट वाला, जिसमें कि अबाउट है और ये हमारा सिंपल सा सेक्शन है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है, इस पर क्लिक करना है, 2 पार्ट करने हैं, और अब इस पर कॉपी कर लेते हैं अबाउट डब्ल्यू ये वाला, और 9 डॉट हेडिंग, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है, और इसी तरीके से हमारा ये वाला सेक्शन कॉपी एंड 9 डॉट। अब यहाँ पे हमारे को टेक्स्ट एडिटर, एंड अब यहाँ पे अपने टेक्स्ट को जो है उसको हम पेस्ट कर लेते हैं, सिंपली टेक्स्ट पेस्ट कर लिया, और बटन दोबारा से आएगा, तो यहाँ पे काम करेंगे, बटन को पकड़ेंगे, बटन को ड्रैग कर लेंगे, अब की बारी यहीं से सीधा कॉपी करेंगे, और यही वाली स्टाइलिंग हमारे को यूज़ करनी है, तो हम पेस्ट स्टाइलिंग इसको हम सिंपल यहाँ पे लेफ्ट कर लेंगे, और इसको यहाँ पे हम स्मॉल कर लेंगे, इस तरीके से हमारा बटन काम करेगा। और यहाँ पे रीड मोर है, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक हेयर की जगह कर देंगे रीड मोर, और अबाउट के बटन पे, अबाउट के पेज के ऊपर इसको हम इसको रीडायरेक्ट करना है। यहाँ से पहले इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, स्टाइल यहाँ पे आना है आपको टेक्स्ट, ठीक है ये वाला, और अब दूसरा सेक्शन है डाउनलोड अवर मोबाइल ऐप, दूसरे सेक्शन पे जाना है आपको, हेडिंग डाउनलोड अवर मोबाइल ऐप, स्टाइल ब्लैक, यहाँ पे इसको करना है हमारे को स्टाइल में इटैलिक इस तरीके से, और इसको करना है हमारे को शायद छोटा थोड़ा 26 कर देते हैं, और अब नीचे यहाँ पे हमारे कुछ टेक्स्ट आएगा, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे आना है 9 डॉट्स टेक्स्ट एडिटर,
एंड सिंपली उस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करना है। अब यहाँ पे हमारे को दो इमेज ऐड करनी है, वो कैसे होंगी ऐड, उसके लिए आपको ये इनर सेक्शन इसके यहाँ पे ड्रैग कर देना है सिंपल। अब अपनी इमेज को सिंपल आपको कॉल कराना है, तो इमेज को यहाँ पे हम इस पे डालेंगे और यहाँ से जाएंगे अपलोड गूगल एंड्रॉयड ओपन, यहाँ पे एंड्रॉयड वाली पकड़ लेता हूँ, इंसर्ट मीडिया इसको कर देंगे हम लेफ्ट, और इस पे जो भी लिंक होगा आपका उसका लिंक आपको पेस्ट करना होगा। एंड इसी तरीके से राइट साइड वाला रहेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है इमेज, और यहाँ पे इमेज को पकड़ना है आपको, और ये वाली iOS, और यहाँ पे सिंपली इसको भी करना है लेफ्ट, और इसका लिंक भी आपको सिंपल डाल देना जो भी आपका लिंक रहेगा। एंड इसका एक काम करते हैं, इस पर क्लिक करना है आपको, स्टाइल में आना है, बॉर्डर पे आना है, 1 पिक्सल इसको एक काम करेंगे डॉटेड डैश विथ 1 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस इसका हम 5 कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखेगा। या बॉर्डर नहीं भी करना तो बिना बॉर्डर रेडियस के भी चलेगा, ऐसे भी देखने में ठीक लग रहा है। तो इस तरीके सेक्शन बनेगा, इसका हम थोड़ा स्पेसिंग सेट कर लेते हैं, यहाँ पे आना है आपको, आपको इसको यहाँ से 50 कर देना है, 50। इस तरीके से ये सेक्शन भी आपका बन गया। अब बात आती है लास्ट सेक्शन की हमारी, जो कि है हमारा ब्लॉग का सेक्शन। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, यही वाले सेक्शन को कॉपी करेंगे, जो ये वाला सेक्शन था हमारा सेम, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी। एंड अब यहाँ पे इस पर आके आप सिंपल आपको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको जो टेक्स्ट रहेगा उस टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेते हैं, लेटेस्ट फ्रॉम आवर ब्लॉग, इसको यहाँ पे सिंपली चेंज कर लेते हैं, और ये वाले सेक्शन को करेंगे हम यहाँ से डिलीट, और इसको भी कर देंगे हम यहाँ से डिलीट। सो यहाँ पे भी हमारे को हमारे ब्लॉग को कॉल कराना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम सिंपल सर्च करेंगे पोस्ट। ओके, एक काम करते हैं, लग रहा है मुझे मेरा वो ऑप्शन इनेबल नहीं है, तो एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा इसके बैक एंड पे जाना पड़ेगा, साइट ओपन करनी पड़ेगी, डैशबोर्ड ओपन करना पड़ेगा इसका मुझे, डैशबोर्ड। एंड डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे एसेंशियल एड ऑन्स पोस्ट ग्रेड करके नाम से है, पोस्ट ग्रेड फाइंड कर लेते हैं पोस्ट, ये रहा वो ऑप्शन पोस्ट ग्रेड, इसको आपको अनेबल करना है, यहाँ पे इसको अनेबल कर देना, बस और कुछ नहीं करना आपको, सेव सेटिंग। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको पहले अपडेट कर लेते हैं, एंड अपडेट करके एक बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे तब यहाँ पे हमारे को पोस्ट ग्रेड का ऑप्शन दिख जाएगा, एंड उसको यहाँ पे हमारे को कॉल कराना है। तो यहाँ पे सिंपली एक काम करते हैं, पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो यहाँ पे एक काम करना है हमारे को, पोस्ट ग्रेड को कॉल कराना है, तो उसके लिए यहाँ पे पोस्ट, ये आ गया ऑप्शन पोस्ट ग्रेड का, सिंपली आपको इसको इसके नीचे यहाँ पे ड्रैग कर देना है, ऑटोमेटिक हमारी पोस्ट को यहाँ से वो उठा लेगा जो जो पोस्ट हमारे को दिखानी होगी, जैसे हमारे को ये वाली नहीं दिखानी है, ये वाली हटा सकते हैं हम। तो यहाँ पे काम करेंगे, मैनुअल सिलेक्शन करेंगे, और मैनुअल सिलेक्शन करने के बाद जो सी पोस्ट आपको दिखानी है वो आप दिखा सकते हो यहाँ से, और यहाँ पे आपको 4 दिखानी है, 3 दिखानी है, मेरे को 3 दिखानी है तो मैं 3 कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी पोस्ट को फाइंड कर लेता हूँ, जैसे पोस्ट है यहाँ पे टिप्स फॉर रेंटिंग, यहाँ पे मैं टिप्स फॉर रेंटिंग और टॉप होम, तो यहाँ पे काम करता हूँ TOP टॉप होम, एक है स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस। तो इस तरीके से 3 यहाँ पे मेरे वो आ जाएंगे, जो 3 पोस्ट है वो आ गई यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद लेआउट सेटिंग होती है, लेआउट सेटिंग में यहाँ पे मुझे कॉलम जो करना है 3 कॉलम का रखना है, एंड पोस्ट पर पेज यहाँ पे 4 का ऑप्शन है, इसको 4 रहने देंगे, एंड लेआउट सेटिंग में जाके इसको 3 करना होगा, और लोड मोर का ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, शो इमेज करनी है हमारे को, टाइटल भी रखना है हमारे को, एक्सेप्ट भी हमारे को दिखाना है यहाँ पे, एंड रीड मोर बटन हमारे को नहीं चाहिए, मेटा का जो हमारा है मेटा भी हमारे को नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये सेटिंग करनी होती है बेसिक सी आपको, और आपका ये ठीक हो जाता है बिल्कुल, है ना, और आपको सिंपल करना है अपडेट। इसके लिए मगर पहले आपको कुछ पोस्ट डालनी पड़ेंगी, पोस्ट लिखनी पड़ती है, अभी तो हमने डेमो कंटेंट इंपोर्ट किया था इसलिए हमारे को यहाँ पे दिख रहा है, लिखनी नहीं पड़ी, नहीं तो आपको ये पोस्ट लिखनी पड़ेंगी। वो पोस्ट कहाँ से लिख सकते हो आप, सिंपली आप एक काम करेंगे, यहाँ पे साइट खोल लेते हैं, अपने डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आता है,
पोस्ट के ऑप्शन में यहाँ पे आपको सारी आपकी पोस्ट मिलती हैं। आप सिंपल ऐड न्यू करना है और आपके यहाँ पे पोस्ट दिखनी स्टार्ट हो जाएंगे आपको। सो ये बेसिक हमारा जो होम पेज का डिज़ाइन था, वो होम पेज का डिज़ाइन यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ एनिमेशन वगैरह आ रही हैं वो सब कैसे होती हैं। सो ये जो वाला सेक्शन है इसके आपके इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद एडवांस में आएंगे। एडवांस में आने के बाद ये मोशन इफेक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप कुछ भी रखते हैं, फेड इन कर सकते हैं, जूम इन करना चाहते हैं जूम इन कर सकते हैं, या फिर डाउन अप आएगा, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, बाउंस इन आ सकता है, अलग अलग तरह के बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, है ना, अलग अलग तरह के बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं इसको करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसके आप यहाँ से एनिमेशन फास्ट करना चाहते हो फास्ट कर सकते हो, और यहाँ पे उसका एनिमेशन डिले भी सेट कर सकते हो, इस तरीके से इसको आप अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा होम पेज का डिज़ाइन भी हो चुका है। होम पेज डिज़ाइन के बाद बारी अब आती है एनेबल जियो लोकेशन की, है ना, एनेबल जियो लोकेशन। अब जियो लोकेशन एनेबल करना है वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल सा फंडा है आपको। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे ये भी लोकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा हमारे में, जबकि यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहा है और लोकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं। ये एनेबल करनी है, ये कैसे होती है अब वो बात आती है। अब इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, उसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है एंड गूगल में सर्च करना है क्लाउड गूगल को, ठीक है, क्लाउड डॉट गूगल डॉट कॉम करना है आपको। सो फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे अपने अकाउंट से लॉग इन करना पड़ेगा, वो बेसिकली आपसे कुछ स्टेप्स होंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा आपको, आपसे आपके बिजनेस वगैरह के बारे में पूछेगा, सब कुछ करेगा, एंड लास्ट में वो बिलिंग में आपको ले जाएगा, वहाँ पे आपसे आपका कार्ड वार्ड सब कुछ ऐड वैड करवाएगा वो। एंड टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अपने आप कोई भी अमाउंट नहीं कटेगा, वहाँ पे साफ साफ मेंशन होगा, पढ़ भी लेना। स्टार्टिंग में वो 2 रुपये के आसपास कुछ चार्जेस करके देखेंगे, वो दोबारा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली गो टू कंसोल, मैं आप गो टू कंसोल पे जाता हूँ सीधा। जब आप कार्ड वार्ड ऐड कर लेंगे, बिलिंग विलिंग सब कुछ आपकी हो जाएगी, उसके बाद कुछ इस तरीके का स्क्रीन आपको दिखेगा, एंड यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं लिस्टिंग हाइप कर लिया मैंने, एंड बिलिंग अकाउंट जो हमारा रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना होता है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, नो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्रिएट करना है सिंपल आपको। सो यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट लिस्टिंग है, सेलेक्ट प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना है आपको। सो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्टेड हो चुका है जो हमारे को चाहिए। अभी यहाँ पे हमारे को जो API ऐड करनी है वो API फटाफट से ऐड करते हैं, एक्सप्लोर एंड एनेबल API, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है एनेबल APIs एंड सर्विसेज। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा कौन कौन सी API वगैरह आपको चाहिए, वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप जियो कोडिंग API चाहिए होती है हमारे को, एंड प्लेस API चाहिए होती है, और एक चाहिए होती है आपको मैप्स जावास्क्रिप्ट API। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये एक बिलिंग के पेज पे ले जाएगा। जब आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि भाई ये इसके लिए आपको तो यहाँ पे कह रहा है बिलिंग अकाउंट कैन नॉट पे फॉर मैप्स इन योर रीजन, ठीक है। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा आपको, क्रिएट मैप्स बिलिंग अकाउंट एंड प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पेज पे आने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा आपको नेक्स्ट करना होगा, और यहाँ से आपको सिंपली आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है कार्ड वार्ड वो सब कुछ ऐड करना होगा, जो आपने डाल रखा होगा आपको क्या पता यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे इनेबल गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो हमारे को जो मैप्स के लिए जो जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं सारे वहाँ पे लिस्ट हो गए, उसमें से कुछ हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये API की बन चुकी है, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एक काम करते हैं मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बाकी वहाँ मुझे मिल जाएगा, फिर भी मैंने कॉपी कर लिया सेफर साइट के लिए। इसको आपको डन कर देना है। अब ये काम करना है आपको ना, आपकी जो API मिली है ना इसको सिक्योर करना होता है, सिक्योर क्रेडेंशियल पे आपको क्लिक करना है, ये वाला बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे, सारी हमारे वो दिखनी शुरू हो चुकी हैं जो जो चीज़ें हमारे को मिली हैं। आपको यहाँ पे सिक्योर क्रेडेंशियल के बटन पे करना है क्लिक, ये हमारी की है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, तो हमारे को इसको रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि खाली इसी डोमेन के ऊपर ये की एप्लीकेबल हो, कोई इसको यूज़ ना कर सके। तो इसके लिए हमारे को इसको इस पर HTTP रेफर्ड वेबसाइट ये जो आ रहा है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको ऐड आइटम और आपका जो डोमेन नेम है वो डालना होता है आपको। तो हमारा डोमेन नेम क्या है यहाँ पे, मैं क्योंकि सब डोमेन के ऊपर काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, पहले *. ये, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका ये HTTPS वगैरह नहीं आना चाहिए, बहुत ध्यान से करना है आपको, एंड लास्ट में आपका *. एक बार दोबारा मैं देख लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कैसा रहेगा *. और ये इस तरीके, ठीक है,
तो इस तरीके से रहेगा यहाँ पे, इसको आपको डन कर देना है। एंड एक और काम करना है, ऐड अनदर आइटम। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल पेस्ट करना है, बट इस बार आपका डॉट नहीं रहेगा, विदाउट डॉट रहेगा, ठीक है। आपको करना है डन, और अब आपको क्या करना है, इसको करना है रिस्ट्रिक्ट की, और अब आपको आपकी API सेलेक्ट करनी है, कौन कौन सी API के लिए आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारे को जियो कोडिंग API और एक है मैप्स जावास्क्रिप्ट API और एक है हमारी प्लेस API। ये तीनों को हम ओके कर लेते हैं, तीनों यहाँ पे सिलेक्टेड हो चुकी हैं। अब आपको इसको सिंपली करना है सेव। सो हमारी वो API सिक्योर भी हो चुकी है, हमने इसको सेव भी कर लिया और API बना भी ली है अपनी। अब वो API हमारे को कहाँ यूज़ करनी है उसके बाद करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ से हमारे ये वाला काम तो हो चुका है, इसकी आई थिंक हमें ज़रूरत नहीं, बट कोई बात नहीं, इसको खुला रहने देते हैं, यहीं पर आते हैं सिंपल। यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको जो ये वाली है हाई प्रेस, इसके ऊपर जब होवर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस का ऑप्शन मिलता है, इसके एक्सटेंशंस पे आपको क्लिक करना है, जहाँ पे अब अमेजिंग अमेजिंग काम होने वाला है। फ्री रिसोर्सेस मिलेंगे, मतलब सारे के सारे प्रीमियम फीचर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसका ऑल एक्सटेंशंस का ऑप्शन आता है, जिसको आप बाय कर लेंगे तो $169 के आसपास ये पड़ता है। मैं आपको मतलब खाली बता रहा हूँ, मैं खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, बट बता रहा हूँ कि ऑल एक्सटेंशन में काफ़ी सारी चीज़ें आती है। इसमें बुकिंग का ऑप्शन रहता है, मार्केट प्लेस है, रिक्वेस्ट है, मेंबरशिप है, सर्च अलर्ट है, सोशल लॉगिन है, सोशल लिंक्स हैं, ओपनिंग आवर्स, स्टेटस एंड टैक्स, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी तो फ्री में है, फ्री में बहुत कुछ मिल जाता है आपको, क्लेम लिस्टिंग, फेवरेट्स, जियो लोकेशन, मैसेजेस, पेड लिस्टिंग, रिव्यू, ये सारे फ्री हैं जो कि आप यूज़ करने वाले हैं इस वेबसाइट में। आपको सिंपली क्या करना है, जियो लोकेशन वाले पे इंस्टॉल करना है, एंड जब वो इंस्टॉल हो जाए इसको एक्टिवेट प्लगइन करना है। एंड एक्टिवेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हाई फ्रेश की सेटिंग पे आना है। हाई फ्रेश की सेटिंग पे आने के बाद लिस्टिंग इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिलता है आपको। इंटीग्रेशन में अब आप देख रहे हैं गूगल मैप्स API का ऑप्शन आपको मिल रहा है, और जो गूगल की API थी वो मैंने यहाँ कॉपी करके रखी हुई है, इसको यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा। सेव चेंजेस, दैट्स इट, आपकी API इनेबल हो चुकी है। अब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं हमारे को वो सर्च बार दिखता है या फिर नहीं दिखता। ओके, देखिए यहाँ पे आपके सामने है, यहाँ पे लोकेशन वाला ऑप्शन ऐड हो चुका है, कीवर्ड्स खाली आ रहा था पहले, अब लोकेशन हो गया, मगर ये भी हमारा पुराना डिज़ाइन है, नया डिज़ाइन जो हमने बनाया है उस पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो नया डिज़ाइन हमारा कैसे दिखेगा वो भी एक बार जान लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे होम पेज को मेन पेज बनाना पड़ेगा हमारे डोमेन का, जो कि अभी हमारा मेन पेज नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमारे को सेटिंग में फिर हमारा रीडिंग का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे भी आप देख रहे हैं अस्थेटिक पेज सेलेक्ट है, यहाँ पे हमारे को ये वाला होम सेलेक्ट करना है और ये ब्लॉक ठीक है, और यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन पे करना है सिंपल क्लिक। अब इसको रिफ्रेश करेंगे एक बारी। सो भी आप देख रहे हैं हमारा जो नया डिजाइन था वो यहाँ पे आ चुका है, और हमारा जो सर्च बार है कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, इसको भी हम सेट कर लेते हैं अभी। और ये मेन आपको दिखाने का मेरा मतलब क्या था, ये सर्च बार हमारा ऐड हो चुका है, इस पर कोई क्लिक करेगा यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोलेगा, और जैसे ही अलाउ करेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो नियर बाय जितनी भी लिस्टिंग होगी वो दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको उसको आप सर्च कर सकते हो। तो ये तो था फंक्शन हमारा जो कि था कि जियो लोकेशन को हम कैसे अनेबल कर सकते हैं। अब एक काम करता हूँ, पहले साथ साथ मैं डिज़ाइन को भी ठीक करता जाऊँगा, जैसे हमारा सर्च बार ठीक नहीं लग रहा तो हमने यहाँ पे एलिमेंटर खोल ही रखा है। अब यहाँ पे एक बार इसको करते हैं, ये फुल जा रहा है, तो एक काम करना है यहाँ पे हमारे को, इसको यहाँ पे हम बॉक्स कर देंगे ताकि ये बॉक्स के अंदर ही रहे, ऐसे रहे, हमें तो ऐसे चाहिए था ना, तो ये ऐसे ही रहना चाहिए, इसके अलावा जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो ठीक है, इस तरीके से करके इसको हम साथ में अपडेट कर लेंगे। अब बारी आती है हमारी एनेबल फेवरेट मैसेज एंड रिव्यू ऑप्शन को ऐड करने की। तो इसका ये इसके लिए काम करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, ये वाले जो ऑप्शन थे यहाँ पे हाई प्रेस पे आना है, एक्सटेंशन पे आना है आपको, और यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, फेवरेट का, मैसेज का, पेड लिस्टिंग का, रिव्यू का। तो एक काम करते हैं, वन बाय वन सारी चीज़ें देखते हैं। इसको मैं इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेता हूँ, एंड वहाँ पे हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, एंड वहाँ पे सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आपको दिखानी स्टार्ट कर देता हूँ। सो ये हमारा डिज़ाइन है, और ये हमारी लिस्टिंग्स हैं, कैटेगरीज हैं, लिस्टिंग है। तो अभी कुछ इस तरीके से हमारी लिस्टिंग दिख रही है, जब से मैंने लोकेशन वाला डाला उसके बाद से लोकेशन वाला अनेबल हो गया, पहले ये लोकेशन वाला नहीं दिख रहा था, अभी मैंने जियो लोकेशन जब से अनेबल किया उसके बाद ही दिखना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो रहता है बाकी चीज़ों को भी अनेबल करना, जो कि है हमारी ये एक्सटेंशंस, जैसे कि आपके सामने मैं करूँगा
ये वाला फेवरेट वाला, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया, फेवरेट एक्टिवेट प्लगइन। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा आपके सामने, और कुछ नहीं किया मैंने, और आप देख रहे हैं यहाँ पे फेवरेट का ऑप्शन आ गया। इस पर कोई क्लिक करेगा वो सिंपल लॉगिन करेगा, और उसके अकाउंट, अगर अकाउंट होगा लॉगिन करेगा, नहीं होगा तो रजिस्टर करेगा, और उसके फेवरेट में लिस्ट ऐड होनी शुरू हो जाएंगी जितने भी लिस्टिंग वो करेगा। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है वो है एक्सटेंशन रिव्यू का, एक्सटेंशन है हमारा ये वाला रिव्यू का है, मैसेजेस का है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे मैसेजेस एंड रिव्यू ये दोनों को एनेबल कर लेते हैं फटाफट से। पहले करते हैं मैसेजेस एक्टिवेट, और इसको एक बार रिफ्रेश करके यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया चैट का ऑप्शन, मैसेजेस का भी ऑप्शन सेम वैसे ही आ गया। एंड अब एक काम करते हैं यहाँ पे हाई प्रेस में जाएंगे, इसकी एक्सटेंशन भी एक बार खोल ही लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको रिव्यू का, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं एक्टिवेट। सो अभी रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे रिव्यू भी एनेबल हो जाएंगे जैसे ही मैं करूँगा। देखिए रिव्यू का भी ऑप्शन आ गया, सारे रिव्यू दिखने शुरू हो गए। कोई भी एक लिस्टिंग खोल के मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आपके सामने है उसकी वो जो मेन कैटेगरी है, नाम, लोकेशन, रिव्यू और रिप्लाई टू लिस्टिंग, राइट अ रिव्यू, ये सारे ऐड टू फेवरेट, ये सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे क्लेम लिस्टिंग का ऑप्शन ऐड नहीं है, क्लेम लिस्टिंग का ऑप्शन भी फटाफट से ऐड कर लेते हैं। हाई प्रेस एक्सटेंशन एंड यहाँ पे क्लेम लिस्टिंग का ऑप्शन है, इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपके मोनेटाइजेशन के यहाँ पे तीन चार तरीके हैं, जैसे कि गूगल एड्स तो है ही, गूगल एड्स को आप यूज़ कर सकते हो। क्लेम लिस्टिंग से भी आप पैसे कमा सकते हो, अगर कोई आपने लिस्टिंग कर रखी है और कोई क्लेम करता है भाई ये मेरी लिस्टिंग है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं उनसे, फिर डील कर सकते हैं, देन उसकी लिस्टिंग को जो क्लेम करते हैं वेरीफाई कर सकते हैं, उनसे भी कुछ चार्ज कर सकते हैं। और पेड लिस्टिंग का ऑप्शन है वो तो है ही, फीचर लिस्टिंग करके आप ऑप्शन कर सकते हो, वो भी है कमाई के, मतलब तीन चार ऑप्शन है यहाँ पे। एक्टिवेट प्लगइन करना है सिंपली आपको, इस पर मैं क्लिक करता हूँ चेक करने के लिए। सो यहाँ पे देख रहे हैं क्लेम लिस्टिंग का ऑप्शन भी ऐड हो चुका है, रिपोर्ट लिस्टिंग है, क्लेम लिस्टिंग है, राइट रिव्यू, ऐड फेवरेट, रिप्लाई टू लिस्टिंग, मतलब ये सारे फीचर्स जो हैं प्रीमियम फीचर हैं जो कि फ्री में आपको मिलते हैं, और कितना अच्छा लुक देता है। आप स्क्रॉल करते हो राइट साइड में, जो आपका मैप है, जो आपका वेंडर है उसको फिक्स रहता है, फिर रिव्यू आते हैं, फिर रिलेटेड लिस्टिंग आती है। बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है इस फ्री थीम के अंदर। तो इस तरीके से आपने ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो इनके एक्सटेंशंस थे उनको ऑन कर लिया। अब हमारा जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है वो है पेड लिस्टिंग का, वो भी एनेबल कर लेते हैं। रिव्यू कर लिया, मैसेज कर लिया, फेवरेट कर लिया, जियो लोकेशन कर लिया, क्लेम लिस्टिंग कर लिया, अब बारी आती है पेड लिस्टिंग की, तो उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट से। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली एक्टिवेट। सो ये हमारा ये वाला प्लगइन भी यहाँ पे आ चुका है, पेड लिस्टिंग वाला भी। अब आपको ये कहाँ दिखेगा, हाई प्रेस में आप जाएंगे, लिस्टिंग में आप जाएंगे तो लिस्टिंग में यहाँ पे अब आपको क्लेम पैकेजेस एंड एट्रीब्यूट दिख रही है। यहाँ पे पैकेजेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पैकेज पे आपको क्लिक करना है, मगर इस पैकेज में आने से पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारा वूकॉमर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी तो हम पेमेंट वगैरह लेंगे ना, इंटीग्रेशन वगैरह तभी तो हो पाएगा ना पेमेंट गेटवे का। और उसके बाद ही हम यहाँ पैकेज बनाएंगे, एक फ्री पैकेज बनाएंगे, एक प्रीमियम पैकेज बनाएंगे। फ्री में हम कुछ रिस्ट्रिक्शन रखेंगे, प्रीमियम में उसको अनलिमिटेड ऑप्शन दे देंगे लिस्टिंग करने के, 30 डेज तक रहेगा, फीचर करेंगे, वेरीफाई करेंगे, सब कुछ ऑप्शन रखेंगे उसके लिए, ताकि यूजर पैसे देने के लिए रेडी रहे। तो ये सब चीज़ें हमारे को करनी पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्लगइन वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ प्लगइन वाले सेक्शन में जाके ऐड न्यू के बटन पे करेंगे क्लिक, वूकॉमर्स को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे सर्च करना है आपको वूकॉमर्स, वूकॉमर्स का ये पहला आ रहा है इंस्टॉल नाउ बाय ऑटोमेटिक, इसका आपको ध्यान रखना है, 5 मिलियन रेटिंग बाय ऑटोमेटिक, इसको एक्टिवेट करना है। सो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, इसको आप स्किप कर सकते हैं, हमारे को बेसिकली कुछ उसकी सेटिंग में जाके ठीक करना कर लेंगे, इसको नो थैंक्स कर सकते हैं हम, इसको क्रॉस करना है आपको। और यहाँ पे इसकी सेटिंग होती है, यहाँ पे आप कूपन्स भी बना सकते हैं, कूपन्स भी दे सकते हैं अपने यूज़र को, मल्टी वेंडर्स, अगर आप वेंडर्स को कूपन देते हैं और उनको बोलते हैं भाई आप ये कूपन यूज़ करके इतना डिस्काउंट पा सकते हैं, तो वो सब ऑप्शन भी आप रख सकते हैं। एंड सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ पाएंगे, यहाँ पे आपको रुपी, क्योंकि हम इंडिया से हैं तो हम INR में काम करेंगे, तो हमें यहाँ पे रुपी को ऐड करना होगा, इंडियन रुपी कर लेते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ से हम कंट्री, अगर खाली हम इंडिया में ही रखना चाहते हैं तो यहाँ से इंडिया का, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली कर लेता हूँ, और यहाँ से इंडिया दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसको सिंपली सेव चेंजेस करना है आपको, दैट्स इट। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है प्रोडक्ट के ऊपर, ऑल प्रोडक्ट, ऐड न्यू। अब यहाँ पे आने के बाद आप बनाएंगे प्रीमियम प्लगइन के लिए, हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं प्रीमियम, और यहाँ पे हम कुछ भी करते हैं, दिस इज प्रीमियम सेक्शन, इसकी वैसे जरूरत नहीं है हमारे को, ये तो खाली नॉर्मल चीज़ है, इसको हमें पहले यहाँ पे वर्चुअल करना है।
अब यहाँ पे अपना प्राइस देख सकते हो, कितना प्राइस आप चार्ज करना चाहते हो प्लगइन, मतलब लिस्टिंग के लिए, पेड लिस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे हम 500 रख सकते हैं पर मंथ का, 500 रुपीज़ पर मंथ, या फिर जो भी आप प्राइस रखना चाहो वो रख के आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, और कुछ तो आपको करना है, यहाँ पे सीधा पब्लिश करना है। तो यहाँ पे हमारा एक सेक्शन बन गया प्रीमियम का, हमारा एक प्रोडक्ट बन चुका है, उसको हम कॉल कराएंगे अपने लिस्टिंग वाले ऑप्शन में। तो वो कहाँ मिलेगा हमारे को, अब आपको आना है यहाँ पे हाई फ्रेश, हाई फ्रेश में यहाँ आना है, यहाँ पे लिस्टिंग में, लिस्टिंग में यहाँ पे पैकेजेस में। अब पैकेजेस हम बनाएंगे, एक फ्री बनाएंगे, एक प्रीमियम बनाएंगे। तो उसके लिए ऐड न्यू, ऐड न्यू में यहाँ पे हम फ्री कर देते हैं, और फ्री में हम क्या रखेंगे, फ्री में हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये कॉपी कर लेते हैं, मैं इसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। फर्स्ट लिस्टिंग फ्री, वैलिड फॉर 7 डेज, नॉट फीचर्ड, फीचर्ड नहीं करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को, जो बैच आएगा हमारा वेरीफाइड का वो भी नहीं देंगे हम, ताकि इसको लगे भाई कोई अगर फ्री यूज़ कर रहा है तो उसको बोले कि हाँ भाई रिस्ट्रिक्शंस हैं, पेड लेंगे तो उससे फ़ायदा है। और लिमिट भी हम लगा देंगे कि भाई लिमिट क्या रहेगी, यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आप अपलोड कर सकते हो, है ना, लिमिट यहाँ पे 1 लगा देंगे। एक्सपायर हम यहाँ पे इसको कर देंगे 7 डेज कर रहे हैं, तो 7 डेज यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे हम लिस्टिंग को फीचर भी नहीं करेंगे, रिकमेंड भी नहीं करेंगे, ओके। और ये सब के लिए रहेगा, फॉर सेल, रियल, सर्विस, सब के लिए रहेगा। और इसको हम करेंगे यहाँ पे सिंपल पब्लिश, फ्री का बन गया। अब बनाएंगे हम प्रीमियम के लिए, तो ऐड न्यू करेंगे और इसको करेंगे प्रीमियम प्लान, एंड इसको पेस्ट करेंगे लिस्ट अप टू 30 प्रोडक्ट और सर्विसेज वैलिड फॉर 30 डेज, और लिस्टिंग इंक्लूड फीचर सेक्शन, एंड उसके बाद वेंडर वेरीफाई बैच, ठीक है। और यहाँ से अब हम करेंगे प्रीमियम वाले को सेलेक्ट, एंड लिस्टिंग की लिमिट कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो हम जितने मर्जी कोई भी लिस्ट कर सकता है, या फिर 30 प्रोडक्ट रखा है हमने, तो यहाँ पे 30 प्रोडक्ट करेंगे, और इसको भी 30 करेंगे, 1 महीने के लिए है। मेक लिस्टिंग फीचर एंड रिकमेंड दिस पैकेज, इसके भी पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सारी चीज़ों को हम सेलेक्ट कर लेंगे पब्लिश, ठीक है। हमारे यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अभी एक काम हमारा और रह गया, वो रह गया है पेमेंट गेटवे को भी हमारे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। हमने वूकॉमर्स इंस्टॉल कर लिया, पैकेज को बना लिया, अब हमारे को पेमेंट गेटवे भी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। सो अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इंस्टा मोजो के साइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे सिंपली आपको अपना अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे आप जैसे आ रहे हैं, ये मेरा रेफरल लिंक है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ साइन अप विद रेफरल कोड टू एंजॉय रिवॉर्ड अप टू 1000। तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको सीधा आपको यहाँ पे साइन अप वाइनअप करना है, साइन अप वाइनअप जब कर लोगे, अकाउंट अकाउंट सब कुछ जब आप बना लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको आना है अपने यहाँ पे सेक्शन में, यहाँ पे आपको इंस्टा मोजो सर्च करना है। इंस्टा मोजो सर्च करने के बाद पहला वाला आ रहा है, इसको छोड़ के आपको इंस्टा मोजो फॉर वूकॉमर्स इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल नाउ, इसको फिर आपको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट होने के बाद आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाना है, जो कि आप यहाँ से भी जा सकते हो, या फिर आप वूकॉमर्स में सेटिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होता है, यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट डालना होता है, वो आपको कहाँ से मिलेगा वो बता देता हूँ। जब आप साइन अप कर लोगे तो आपको सिंपली लॉगिन करना होगा अपने अकाउंट के ऊपर, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे API एंड प्लगइन का आपको ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मेरे पास तो यहाँ पे वूकॉमर्स का, वर्डप्रेस का मेरा क्लाइंट आईडी और ये क्लाइंट सीक्रेट है, बट अभी आप क्योंकि मैं यहाँ पे करूँगा मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, वूकॉमर्स एंड वर्डप्रेस का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली उसको सिलेक्ट करना होगा और जनरेट क्रेडेंशियल करेंगे तो आपको आपकी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिल जाएगा। सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करना है मुझे इसको, यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है, एंड दूसरे वाला मुझे यहाँ से कॉपी करना है, एंड इसको मुझे यहाँ पे सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना है, सेव चेंजेस, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा सिर्फ ये दो की को डालने से ही हमारा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो चुका है। अब हम पेमेंट लेना चाहें तो आसानी से पेमेंट ले सकते हैं किसी भी यूज़र से। सो अभी हमारा मेजरली देखा जाए तो मोटा मोटा सारा काम, सारा स्ट्रक्चर बन चुका है, हमारी वेबसाइट पूरी रेडी हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, एज अ वेंडर रजिस्टर करते हैं, वहाँ पे लिस्टिंग को ऐड करके देखते हैं एज अ वेंडर। मतलब कोई अगर लिस्ट को अपने प्रोडक्ट को रेट्स कोई अपनी सर्विसेज को या फिर कोई अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहता है इस वेबसाइट पे, तो वो कैसे कर सकता है वो भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इनकॉग्निटो मोड पे ही चलते हैं, वहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, पहले तो वेबसाइट को एक बार ही अच्छे से हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं।
अपना अकाउंट बनाते हैं, लिस्टिंग को ऐड करके देखते हैं, ऐड लिस्टिंग। तो यहाँ पे आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रजिस्टर कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जैसे मैं इस पर करूँगा तो यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी के लिए बोलेगा। अभी तीन कैटेगरी वहाँ पे लिस्ट है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे तीन कैटेगरी है, कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले फटाफट से कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। कैटेगरी हमारी यहाँ बैकेंड से ही क्रिएट होगी। वो कैटेगरी कैसे क्रिएट होगी, यहाँ पर आप आएंगे लिस्टिंग में, यहाँ पर कैटेगरी का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर तीन कैटेगरी अभी लिस्टेड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं एजुकेशन की एक बनाता हूँ, एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्ट इमेज, अपलोड, सेलेक्ट ये वाली इमेज, ओपन। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितने भी इमेज आप यूज़ करो वो सारी की सारी ऑप्टिमाइज़ करके ही यूज़ करनी है, नहीं तो आपकी वेबसाइट हैवी हो जाएगी, फिर आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे अपना ऑल टाइप भी हम डाल लेते हैं, एजुकेशन पेस्ट, सेलेक्ट इमेज। यहाँ पे इमेज आ गई हमारी। अब आपको सिंपल यहाँ पे ऐड कैटेगरी करना है, और यहाँ पे हमारी कैटेगरी ऐड हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अब रिफ्रेश करके देखते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारी कैटेगरी ऐड हुई है कि नहीं हुई है। इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फटाफट से। सो देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने पीछे से वहाँ से लिस्टिंग ऐड करी, कैटेगरी ऐड करी है, यहाँ पे हमारी कैटेगरी ऐड हो चुकी है। तो बहुत सिंपल सा है, जितनी मर्जी कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप सिंपली आएंगे, मैं एजुकेशन की ही डाल लेता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे इसको करते हैं क्लिक, और यहाँ से करते हैं इसको सेलेक्ट इमेज, इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी मैं इमेज ऐसे डाल दे रहा हूँ। टाइटल डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, प्ले स्कूल फॉर किड्स। लोकेशन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली। अब मैंने वो लोकेशन वाले डाल रखा है ना, तो अपने आप ही जगह जगह उठा रहा है, तो मैं यहाँ पे दिल्ली इंडिया कर देता हूँ। एंड डिस्क्रिप्शन कुछ डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल पेस्ट एंड सबमिट। यहाँ पे भी मैंने कोई भी एट्रीब्यूट ऐड नहीं किया है, अभी मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, लिस्टिंग करके खाली आपको दिखा रहा हूँ। बाद में बताऊंगा कि एट्रीब्यूट डालने से क्या क्या चीज़ होती है, कहाँ से कैसे वो ऐड होता है, ठीक है। सबमिट लिस्टिंग, सो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, लिस्टिंग सबमिटेड, थैंक यू, योर लिस्टिंग प्ले स्कूल फॉर किड्स हैज़ बीन सबमिटेड एंड विल बी रिव्यूड एज सून एज पॉसिबल। जब भी कोई नई लिस्टिंग आएगी रिव्यू के लिए जाना चाहिए, नहीं तो कुछ भी कोई भी आगे डाल देगा वो जो कि आपकी वेबसाइट के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आप रिटर्न टू माई अकाउंट पे भी जा सकते हो। अब क्योंकि एज एडमिन मैं चेक करूंगा वहाँ पे मेरे पास कोई रिव्यू के लिए आया है कि नहीं आया, आया होगा तो मैं इसको अप्रूव कर दूंगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा लिस्टिंग में, लिस्टिंग में देख रहे हैं पेंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे। अभी मैंने डाला है वहाँ से पीछे से एज ए वेंडर बन के, मैंने वहाँ पे लिस्ट किया, यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा एडिट में जाऊँगा, या फिर क्विक एडिट करके भी मैं इसको अप्रूव कर सकता था, बट मैं एडिट में आऊँगा, यहाँ पे चेक करूँगा भाई क्या चीज़ डाली है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। मुझे सब कुछ ठीक लगेगा देन मैं उसके बाद सब कुछ ऐड कर दूँगा। अब यहाँ से चीज़ आती है असली, जब मैं किसी को अप्रूव करूँगा तो यहाँ पे जैसे किसी ने पैसे दे रखे हैं मुझे, कोई प्रीमियम पैकेज ले रखा है हमारा, तो हम उसको वेरीफाइड भी करेंगे, फीचर्ड भी करेंगे। यहाँ पे 30 डेज़ का डालेंगे, उसकी डेट वेट सब कुछ हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसको पब्लिश कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। वीडियो हो सकता है कि आप काफ़ी स्लो लग रही हो, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको ढंग से ही कर रहे हैं ना, हमारे को तो काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर मैं फटाफट कर गया, कुछ चीज़ स्किप कर गई मेरे से, जब आप रियल में करने बैठो आपको दिक्कत होगी, तो उस ट्यूटोरियल का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम का इशू है तो आप इस वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और जो मैं सिखाना चाहता हूँ पूरी चीज़ आप तक पहुँच सके। तो यहाँ मैंने इसको अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं जो पेंडिंग था, पेंडिंग से ये अप्रूव में गया या फिर नहीं गया। देखो यहाँ से पेंडिंग से हट चुका है। अब यहाँ से मुझे अगर लिस्ट को व्यू करना हो तो यहाँ से व्यू कर सकता हूँ, और मेरी लिस्टिंग मुझे यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ प्ले स्कोर फॉर किड दिल्ली, रिप्लाई टू लिस्टिंग, राइट रिव्यू, क्लेम लिस्टिंग, रिपोर्ट लिस्टिंग, सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मगर यहाँ पर प्राइस नहीं आ रहा है। एक चीज़ है, यहाँ पर प्राइस नहीं आ रहा है, और यहाँ पर मेरी प्रोफाइल वगैरह भी कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले तो प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पहले सेलेक्ट इमेज करेंगे। यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से अपना जो भी नेम है वो नेम डाल लेता हूँ, जिस वीडियो भी उस बंदे का नेम होगा, वीरेंद्र कर लेता हूँ, जयसवाल कर लेता हूँ। अपने बारे में कुछ मुझे डालना है तो मैं यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कुछ भी, और पासवर्ड वगैरह सब कुछ सेव चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ से यही सब चीज़ें होती हैं, ताकि आपको यहाँ पे अगर देखेगा मेरी लिस्टिंग तो यहाँ पे मेरा नाम, फ़ोटो और सब कुछ चीज़ें ढंग से दिखनी चाहिए ना, देखने में ठीक लगना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से कब से मेंबर है वो सब कुछ भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स को ऐड करते हैं। हमें कुछ एट्रीब्यूट अगर ऐड करने हैं तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि प्ले स्कूल है, अब प्ले स्कूल में भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे कि
कुछ क्रच होता है, प्ले स्कूल होता है, प्ले ग्रुप होता है, हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ना, या फिर एज वाइज कर सकते हैं बच्चे के लिए, 2 से 3 साल के लिए है, 4 से 5 साल के लिए है, 6 से 7 साल के बच्चे के लिए है, इस तरह के ऑप्शन को हमें ऐड करना हो तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये एजुकेशन है और इसमें प्राइजिंग भी नहीं है, प्राइजिंग भी ऐड करनी हो तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन कैटेगरी है तो उसके अंदर हम एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। एट्रीब्यूट कैसे ऐड होगा, मैं आपको पहले थोड़ा कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ, शायद वो बेटर रहेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइसिंग भी आ रही है ना, और अगर ऑल लिस्टिंग, एक बार देखते हैं, मे बी मैं आपको शायद क्लियर कर पाऊँ अच्छे से। ऑल लिस्टिंग में यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी कैटेगरी हैं। अभी यहाँ पे मैं एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिल्टर करता हूँ, किसी को कुछ सर्च करना है उसके पास फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइसिंग आ गई है, इनका प्राइसिंग है 1500 रुपये, तो ये अपने आप प्राइसिंग का इन्होंने एक सेक्शन बना दिया। और यहाँ पे एज ग्रुप आ रही है 2 से 3, 4 से 5, और टाइप आ रहा है यहाँ पे क्रैच, डे केयर, प्ले ग्रुप, प्री स्कूल, ये सब चीज़ें अगर हमारे को ऐड करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो वो सब ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल, यहाँ पे आना है सबसे पहले, इसमें एट्रीब्यूट के ऑप्शन होता है ना, एट्रीब्यूट पे आपको सिंपल क्लिक करना है। एट्रीब्यूट में भी फिलहाल बहुत सारे एट्रीब्यूट बने हैं, हम नया एट्रीब्यूट बनाएंगे, ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद हम करते हैं यहाँ पे एज ग्रुप, एज ग्रुप का बनाता हूँ, एजुकेशन के लिए है, प्ले ग्रुप के लिए, बच्चे की एज ग्रुप में सिलेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए, एज ग्रुप, ठीक है, अलाउ फ्रंट एंड एडिटिंग, ठीक है, मॉडरेट मैनुअल अप्रूव चेंजेस, ठीक है, फील्ड टाइप अब यहाँ पे क्या रहेगी, हमारा अटैचमेंट है, चेकबॉक्स है, यहाँ पे सिलेक्शन होगा ना कि हम ऑप्शन वहाँ से सेलेक्ट कर सकें, सेलेक्ट कर सकें, हाँ, तो ये रहेगा। डिस्प्ले इन फिल्टर फॉर्म बिल्कुल दिखना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉर्टेबल होना चाहिए, और यहाँ से भी इसको हम करेंगे सेलेक्ट, ठीक है, और ये सब चीज़ ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एजुकेशन करना है और इसको करना है पब्लिश। जैसे ही आप यहाँ पे पब्लिश कर देंगे तो कुछ ऑप्शन आपके सामने आएंगे, जैसे ये हो गया, अब यहाँ पे एडिट ऑप्शन आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट ऑप्शन इस पर करना है क्लिक। अब यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 2 3 ईयर्स, और इसको यहाँ पे एड ऑन, एड ऑप्शन, एंड एक कर सकता हूँ 4 to 5 ईयर्स, एड ऑप्शन, एक और करते हैं 6 to 7 ईयर, 6 to 7 ईयर्स, एंड इसको भी करते हैं एड ऑप्शन। इसी तरीके से हम एक ऑप्शन और ऐड कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे एट्रीब्यूट में जाना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड न्यू, ऐड न्यू पे आने के बाद हमारे को यहाँ पे हम कर सकते हैं टाइप्स, और यहाँ पे अलाउ फ्रंट एंड एडिटिंग मैनुअल, ठीक है, और ये भी क्या रहेगा, ये भी सिलेक्शन ही रहेगा हमारा, क्योंकि हम सेलेक्ट करवाएंगे ड्रॉपडाउन में से। डिस्प्ले इन फिल्टर फॉर्म ठीक रहेगा, एंड सॉर्टिंग ठीक रहेगा, और यहाँ से भी इसको हम करेंगे सेलेक्ट, और अब इसको करेंगे एजुकेशन पब्लिश। और यहाँ पे अब क्या करना है, आपको एडिट ऑप्शन करना है, एडिट ऑप्शन करने के बाद फिर वही वाले ऑप्शन आ जाएंगे सारे, जैसे यहाँ पे आ रहा था कि आपको प्री स्कूल, प्ले ग्रुप, डे केयर, ये सब चीज़ आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे प्री स्कूल एड ऑप्शन, प्ले ग्रुप एड ऑप्शन, डे केयर एड ऑप्शन, आपको बनाना है यहाँ पे एट्रीब्यूट में। और एट्रीब्यूट में आने के बाद एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, एडिट करते हैं फटाफट से, बहुत ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पे आपके एरियाज़ क्या रहेंगे, पेज का जो रहेगा वो ब्लॉक का जो रहेगा सेकेंडरी, और जो पेज का रहेगा वो भी रहेगा सेकेंडरी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये रिक्वायर्ड फील होनी चाहिए तो आप यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं अपडेट। इसी तरीके से काम करते हैं फटाफट से, उसका भी कर लेते हैं जो हमारा दूसरा एट्रीब्यूट था, ये हमारा था टाइप्स एडिट, और यहाँ से भी इसको कर देते हैं फटाफट से सेकेंडरी, एंड ये भी सेकेंडरी, और इसको अपडेट। अभी हमने एजुकेशन के अंदर अपनी दो फील्ड को ऐड किया है, अब उसको देखते हैं कि एज अ यूज़र जो वेंडर है उसको क्या ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पे।
तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिस्टिंग अगर उसको एडिट करना है वो यहाँ पे सिंपल क्लिक करेगा, एडिट करेगा। अब उसके पास क्या क्या ऑप्शन आ गए, यहाँ पे देखो एज ग्रुप का ऑप्शन आ गया 2 से 3 साल का, ताकि वो ऐड कर सके ना जब वो ऐड करना चाहे। टाइप क्या रहेगा, प्ले ग्रुप रहेगा। और अगर आप प्राइस का भी ऐड करना चाहो तो प्राइस भी ऐड कर सकते हो। वो कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। प्राइस का एट्रीब्यूट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट में जाएंगे हम, यहाँ पे ऐड न्यू प्राइस, अलाउ फ्रंट एंड एडिटिंग टाइप, नंबर, डिस्प्ले इन फिल्टर ऑप्शन, सॉर्टिंग ऑप्शन, इंक्लूड कीवर्ड नहीं, फील्ड टाइप यहाँ पे रहेगा नंबर, एरिया ऑप्शन यहाँ पे रहेगा सेकेंडरी एंड यहाँ पे सेकेंडरी। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे कि अभी डॉलर शो हो रहा है हर जगह, कहीं भी आप देखेंगे डॉलर शो हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे आप देखेंगे डॉलर हो रहा है, डॉलर हो रहा है, ये भी डॉलर हो रहा है, हर जगह आपको डॉलर ही दिखेगा, रुपी नहीं दिखेगा। वो रुपी कैसे दिखेगा, आपको आइकन में आना है, यहाँ पे रुपी, रुपी साइन आ गया, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आइकन वाला कोड जो है वो डालना है। सिंपल आपको क्या करना है, परसेंटेज आइकन परसेंटेज स्पेस वैल्यू, आपको सिंपली बस यही करना है। और इसको यहाँ से आपको एजुकेशन कर देना है, पब्लिश। अब एक बार यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके मैं चेक करा के देखता हूँ। एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं पहले। सो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं प्राइस का ऑप्शन भी आ चुका है। यहाँ पे आप 2-3 ईयर प्ले ग्रुप और प्राइसिंग आप रख सकते हैं 1200 रुपीज़ फॉर दिस सेशन, सेव चेंजेस। अब मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके एक बार दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा 2-3 ईयर प्ले ग्रुप और 1200 रुपीज़ रुपीज़ के साथ आ रहा है हमारा ना, जैसे कि वहाँ पे आ रहा था। अच्छा एक चीज़ है, यहाँ पे हमारा टॉप पे नहीं दिख रहा, वो टॉप पे कैसे दिखेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकेंडरी है ना, यहाँ सेकेंडरी नहीं आएगा, ये आएगा प्राइमरी, प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। और यहाँ से आपको करना है सिंपल इसको अपडेट। अभी मैं रिफ्रेश करके अब आपको दिखाऊंगा। अब आप चेक करेंगे कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे, रिफ्रेश, यहाँ पे 1200 रुपीज़ के हिसाब से आपको दिखना स्टार्ट हो चुका है। अब एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको मेन साइड अगर दिखाना चाहूँ, यहाँ पे फ्रंट एंड पे भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डॉलर में दिख रहा है, ये डॉलर में दिख रहा है, या फिर ये डॉलर में दिख रहा है, ये सब क्या है, ये रियल स्टेट का है, ये सर्विसेज का है, इनको भी हमारे को अगर ठीक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। रियल स्टेट का मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी मैं आप फिर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है ना। तो यहाँ पे काम करते हैं, एट्रीब्यूट में ही आना है आपको, एट्रीब्यूट में आप आएंगे। एट्रीब्यूट में आने के बाद रियल स्टेट कहाँ पे, रियल स्टेट ये रहा, और रियल स्टेट में क्या है, प्राइसिंग है, तो वो रेंट की प्राइसिंग होगी ना। तो यहाँ पे एडिट करना है आपको, और एडिट करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे देख रहे हैं डॉलर लिखा हुआ है, इस डॉलर को यहाँ से हमें हटाना है। डॉलर की जगह हमारे को क्या करना है, यहाँ पे अपना आइकन ऐड करना है रुपी का, जैसे मैंने अभी ऐड किया था। अब आपको परसेंटेज आइकन परसेंटेज स्पेस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना, बस आपको अपडेट करना है। अब एक बार हम रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं हमारा जो ये वाले सेक्शन में है रुपीज़ आया कि नहीं आया। देखिए आपके सामने है रुपीज़, ये तो 400 आ रहा है, डॉलर के हिसाब से प्राइस कम लग रहा है। तो आप प्राइसिंग पर मत जाना, मतलब फंक्शनैलिटी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो जो चीज़ मैंने आपको बोलती है कैसे काम कर रही है। सो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि एक लिस्टिंग तक हम फ्री देंगे, दूसरी लिस्टिंग अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लगाया था क्या, पैकेजेस में प्रीमियम, प्रीमियम में क्या था हमारा 30 लिस्टिंग तक था, और अगर हम पैकेजेस में जाएंगे फ्री वाले में तो उसमें एक लिस्टिंग का ऑप्शन था। तो यहाँ पे फ्री वाले में जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही लिमिट थी ना। तो एक प्रोडक्ट अब ऐड करके और देखते हैं कि अगर किसी को लिस्टिंग की लिमिट लग जाएगी उसके बाद वो कैसे आगे प्रोसेस को बढ़ाएगा। तो सिंपल सा है, वही दोबारा से ऐड लिस्टिंग, सिंपल ऐड लिस्टिंग करेंगे, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे रियल स्टेट। इस बारी मेरे एक एजुकेशन की मैं ऐड कर चुका हूँ एज अ वेंडर, अब मैं एक और करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँगा। फटाफट से मैं लिस्टिंग कर लेता हूँ, ये रेंट है इसका 3000 पर मंथ। टाइप क्या है, ये रूम है, कितने स्क्वायर फीट में है, 150 स्क्वायर फीट, और जो भी इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह डालनी हो डाल सकते हैं हम। ठीक है ना, सबमिट लिस्टिंग। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा।
कि यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है फ्री वाले में तो भाई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अब इसमें यहाँ पे पैकेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, बाय करो या पैकेज सेलेक्ट करो। यहाँ पे मैं काम करता हूँ सेलेक्ट पैकेज करके देखता हूँ। इसने क्या कहा, लिस्टिंग सबमिटेड, थैंक यू, योर लिस्टिंग न्यू रिनोवेटेड हाउस हैज़ बिन सबमिटेड एंड विल बी रिव्यूड एज सून एज पॉसिबल। एक काम करते हैं फटाफट से इसको जाके यहाँ पे लिस्टिंग अप्रूव कर देते हैं इसको, क्विक एडिट पेंडिंग पब्लिश अपडेट, दैट्स इट। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब एक काम करते हैं, एक और प्रोडक्ट को फटाफट से लिस्ट करके देखते हैं कि अब ऐड होता ही नहीं होता। ऐड लिस्टिंग रियल एस्टेट इमेज, कोई भी इमेज मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ। ओपन, सबमिट लिस्टिंग। सो अब यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट एक्सीड। अब मैं इससे ज़्यादा ऐड कर ही नहीं सकता यहाँ पे, अब मुझे पैकेट बाय करना ही पड़ेगा। फ्री का हमारा क्या है, फर्स्ट लिस्टिंग फ्री, वैलिड फॉर 7 डेज, नॉट फीचर्ड, नॉट वेंडर वेरीफाइड बैच, जो हमने ऐड किया था। प्रीमियम में क्या है, वेरीफाइड बैच भी आ रहा है और रिकमेंड कर रहा है बाय पैकेज के लिए, और यहाँ पे लिस्ट के बारे में बताया है वैलिड कब तक रहेगा, क्या क्या चीज़ें सब। यहाँ पे सिंपल यूज़र क्या करेगा, बाय पैकेज पे क्लिक करेगा और यहाँ पे चेकआउट पे वो आ जाएगा। यहाँ पे अगर कूपन कुछ होगा तो कूपन भी आप बना सकते हो, कूपन अगर कोई ऐड करेगा तो कूपन भी यूज़ कर सकता है। नेम विजेंद्र जायसवाल, इंडिया, हाउस J65, दिल्ली, पिन कोड 110015, फ़ोन नंबर कुछ भी डाल देते हैं, एंड ईमेल आईडी मेरी अपने आप उसने उठा ली वहाँ से। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, प्लेस ऑर्डर। जैसे ही मैं प्लेस ऑर्डर करूंगा, पेमेंट गेटवे का जो भी हमारा प्रोसेस रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधा यहाँ पहुँच चुका है पेइंग टू वेब टेक्निकल टिप्स, क्योंकि वहाँ पे मैंने वो वेब टेक्निकल टिप्स के अकाउंट से सीधा किया है। तो यहाँ पे आ गए 500 रुपये, 2100 रुपये कन्वीनियंस फीस, स्कैन कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल। और भी ऑप्शन है यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पेमेंट गेटवे वाला प्रोसेस काम करेगा, वेरीफाई हो जाएगा, वो अकाउंट में चला जाएगा और सारे सेक्शन वहाँ पे काम करने शुरू हो जाएंगे। सो इस तरीके से पेमेंट वगैरह काम यहाँ पे होगा, कोई पेमेंट कर देगा देन वो पैकेज उसके में अनेबल हो जाएगा, 30 प्रोडक्ट वो ऐड कर सकता है, 30 डेज तक वो वैलिड रहेगा, प्रीमियम बैज मिलेगा उसको, वेरीफाइड वेंडर का बैज मिल जाएगा और फीचर लिस्टिंग में सारी जाएंगी। सो सारी चीज़ें इस तरीके से काम करेंगी। सो ये तो था हमारा पेमेंट गेटवे का सारा प्रोसेस कि किस तरीके से होता है, लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं इवेंट वो मैंने बताया, एट्रीब्यूट कैसे बना सकते हैं वो बताया। अब हमारे बेसिक कुछ चीज़ें रह गई छोटी छोटी, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, और ये सब चीज़ें करके फटाफट से ट्यूटोरियल को एंड करते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट पेजेस की तरफ, जो कि पेजेस पे जाते हैं। यहाँ पे हम पेजेस पे आने के बाद आपको करना है ऐड न्यू अबाउट अस पब्लिश पब्लिश एडिट विद एलिमेंटर। तो यहाँ पे अबाउट अस इस तरह से लिखा हुआ है, हमारे को सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे सिंपल हाई टाइटल करना है, टाइटल हमारे को नहीं रखना है वाला। अब यहाँ पे आने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे इसके पेजेस मिल जाएंगे आपको, अबाउट का एक पेज मिल जाएगा, इनका फ्री टेम्पलेट है वो आप यूज़ कर सकते हो, अबाउट ये वाला सेक्शन आप ले सकते हो। इसके अंदर आप इमेजेस एंड गेट स्टार्टेड के बटन पे पहले क्लिक करना है आपको, कनेक्ट, यस। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा टेम्पलेट कॉल हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेजेस के साथ प्ले करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये इमेज चेंज करनी है, इस पर क्लिक करेंगे आप, स्टाइल में आएंगे यहाँ पे और ये इमेजेस को आप चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट मीडिया, और इस इमेज को चेंज करना है, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे मैं ये बुक ले लेता हूँ। इसके फॉन्ट के साथ अगर आपको प्ले करना है, स्टाइल में आप जाएंगे, सिंपली यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट करना है, खाली डिफ़ॉल्ट करते ही वो अपने आप पॉपिंग्स में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी चेंज हो सकता है, आपको सिंपल इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आ सकते हैं, इसके पेस्ट स्टाइल करेंगे इसी तरीके से, बाकी नीचे भी आके आप पेस्ट स्टाइल, खाली आपको इमेजेस चेंज करनी है अपने कंटेंट की और कुछ नहीं करना है ना। तो इमेजेस और कंटेंट का सारा खेल है, जैसे ये सेक्शन नहीं चाहिए इसको आप यहाँ सिंपल डिलीट कर सकते हैं, ये सेक्शंस आपको नहीं चाहिए तो इन सेक्शन को भी आप सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप टेम्पलेट्स को कॉल करा सकते हैं, टेम्पलेट को कॉल करा के वहाँ पे इमेजेस को कॉल करा सकते हैं, टेक्स्ट को कॉल करा सकते हैं,
उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ प्ले करके उसकी जो स्टाइल शीट होती है उनको स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप टेम्पलेट्स को कॉल कराते हैं, सिंपल आपको अपडेट करना है और आपका इंटरनल जो कि अबाउट अस पेज होता है या फिर कॉन्टैक्ट अस पेज होता है वो ऐड हो जाता है। इस तरह सिंपल आपको यहाँ पे आना है, इसको एग्जिट टू डैशबोर्ड करना है। इसी तरीके से आप कॉन्टैक्ट अस पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए एक काम करेंगे, पहले एक प्लगइन ऐड कर लेंगे डब्ल्यू पी फॉर्म का, यहाँ पे इसको एग्जिट कर लेते हैं। ऐड न्यू पे आने के बाद आपको करना है सिंपली कॉन्टैक्ट अस पब्लिश पब्लिश, यहाँ पे काम करता हूँ। एग्जिट करके पहले मैं फटाफट से एक प्लगइन ऐड कर लेता हूँ, प्लगइन है वो डब्ल्यू पी फॉर्म के नाम से, ऐड न्यू इंस्टॉल नाउ एक्टिवेट एंड सिंपली आपको नीचे आना है क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म। सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ डेमो इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे सिंपल कर देंगे, फर्स्ट नेम ईमेल कमेंट सेव, दैट्स इट। इसको कर देंगे क्लोज। यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ पे सेम आना है आपको सेटिंग में हाइड टाइटल, इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का शायद पेज ना मिले, आपको ब्लॉग पे जाना है। ब्लॉग पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इनमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये वाला यूज़ करना हो, ये वाला यूज़ करना हो, मैंने ये वाला यूज़ किया था, आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं सिंपली यहाँ से। और यहाँ पे आने के बाद दो ऑप्शन मिलते हैं, आप ये वाला चाहो तो ये हटा सकते हो सिंपली, इसकी जगह आप फॉर्म को यूज़ कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे आप आएंगे फॉर्म डब्ल्यू पी फॉर्म को आप सिंपली यहाँ पे रीडायरेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप फॉर्म सेलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म, और वो फॉर्म यहाँ पे आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, इस पर क्लिक करेंगे जो आपको चाहिए रखेंगे, नहीं तो आप यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से, है ना। और इसके स्टाइल वगैरह से प्ले करके कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आपको चेंज करना हो वो चेंज कर सकते हैं, कुछ भी मतलब जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं हर चीज़ के साथ। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट अस पेज बन सकता है। इसमें आप कुछ और एडवांस करना चाहो, कुछ इमेज वगैरह ऐड करना चाहो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, इस पे जाते हैं, इसको करते हैं, यहाँ से इमेज बनाते हैं, इमेज को ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इसको हम फुल कर देते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं अपनी होम पेज वाली इमेज को, इसको कर सकते हैं इंसर्ट मीडिया, इसको सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, इसको आप फुल वेट कर सकते हैं, नो स्ट्रेच कर सकते हैं एंड इसकी मिनिमम बस इसको अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये सेक्शन भी बन जाता है और सिंपल इसको हम करेंगे एग्जिट। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे दो पेज बन चुके हैं कॉन्टैक्ट और अबाउट का। अब हम एक काम करेंगे, जो हमारे मेन्यू का हेडर है और फुटर है उसको हम सेट कर लेते हैं फटाफट से, जैसे कि हमारा इनसाइट्स के ऊपर था, ये सब चीज़ें भी हम सेट कर सकते हैं फटाफट से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, सबसे पहले हमारे को मेन्यू क्रिएट करने पड़ेंगे। मेन्यू कहाँ मिलेंगे हमारे को, मेन्यू हमारे को अपेयरेंस के अंदर यहाँ मेन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा हमारे को। अभी कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहे हैं, होम लिस्टिंग पेजेस ब्लॉग, ये सारे ऑप्शन अभी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और नीचे कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे काम करते हैं, मेन्यू में जाते हैं, मेन्यू में यहाँ पे पहले हम हेडर में आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे हेडर, और हेडर में कौन कौन सा रखना है हमारे को, डाउनलोड ऐप का बनाएंगे, एडवर्टाइज का बनाएंगे और लिस्टिंग का बनाएंगे, है ना, इस तरह के हम कुछ वो बनाएंगे मेन्यू। सो यहाँ पे होम है, लिस्टिंग है, पेजेस, ये पेजेस हमारे को नहीं चाहिए, ये ब्लॉग भी हमारे को नहीं चाहिए, इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव। अब यहाँ पे हम कस्टम लिंक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम करेंगे डाउनलोड ऐप वाला लिंक, यहाँ पे हम हैश पास करा रहे हैं, जो भी हमारे ऐप का लिंक होगा वो आपको डालना होगा और यहाँ पे सिंपल आपको करना है डाउनलोड ऐप, ऐड टू मेन्यू, कोई भी मेन्यू अगर आपको ऐड करना है सिंपल यही तरीका होता है ऐड करने का, या फिर आप ऐसे कर सकते हो पेजेस को कर सकते हो, कैटेगरी को कर सकते हो, कुछ भी आप कॉल करा सकते हो। एंड यहाँ पे आने के बाद आप जैसे डाउनलोड ऐप था, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डाउनलोड ऐप के आगे एक मोबाइल का आइकन दिख रहा है आपको, ये आइकन कैसे आया, ये आइकन आपको सिंपली मिल जाएगा फॉन्ट ऑसम मोबाइल आइकन, आप सिंपल सर्च करें, जो भी आपको आइकन चाहिए वो आपको आइकन ऐसे मिल सकते हैं एंड जो उन सभी चाहिए हो आपको फ्री ये वाला ले लेते हैं। इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ से सिंपली आपको इसको कॉपी करना है और अब आना है आपको यहाँ पे इसके जस्ट आगे आपको सिंपल इसको पेस्ट कर देना है
और आपको करना है इसको सेव मेन्यू। अभी रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, देखते हैं हमारे को कैसा दिख रहा है। रिफ्रेश और लिस्टिंग डाउनलोड ऐप, अगर मुझे डाउनलोड ऐप पहले दिखाना है तो मैं इस पर ऊपर कर दूंगा, डाउनलोड ऐप आ जाएगा। और इसके बाद क्या रहा है, एडवर्टाइज़ का एक पेज है हमारा, और ये है ठीक है एडवर्टाइज़ वाला ऐड करते हैं। एडवर्टाइज़ वाला कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। तो उसके लिए आपको कस्टम लिंक बनाना है पहले, तो कस्टम लिंक, और यहाँ पे आपको क्या रहेगा जो टेक्स्ट रहेगा एडवर्टाइज, एंड अब आपका जो टेक्स्ट क्या रहेगा वो रहेगा आपका जो मेन डोमेन है, और उसके आगे कुछ लाइन रहेंगे जैसे कि ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, जो भी मतलब डोमेन नेम है आपका वो, उसके आगे आपको स्लैश लगाना है सबमिट लिस्टिंग स्लैश पैकेज, ये आपका लिंक रहेगा। ऐड टू मेन्यू करना है आपको, इसको ऊपर आगे पीछे कहीं भी आप ऐड कर सकते हैं, सिंपली दैट्स इट, सेव मेन्यू। इसी तरीके से आपका जो फुटर रहेगा, फुटर का लिंक क्या रहेंगे, फुटर के लिंक भी चेक कर लेते हैं। फुटर के लिंक है अबाउट कॉन्टैक्ट टर्म्स प्राइवेसी पॉलिसी, है ना, तो उसके लिए भी काम करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फुटर, सेलेक्ट टर्म्स, और ये तो दो पेज डले हुए हैं बाई डिफॉल्ट यहाँ पे। अब अबाउट कॉन्टैक्ट इसको भी पकड़ के ऐड टू मेन्यू कर देंगे, दैट्स इट। अबाउट को ऊपर कर देते हैं, कॉन्टैक्ट को भी ऊपर कर लेते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट को थोड़ा नीचे कर सकते हैं, सेव मेन्यू। एंड यहाँ पे आप रिफ्रेश करके चेक करते हैं इसको। सो भी आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे इस तरीके से दिखना शुरू हो चुका है। बट ये इस साइड आएगा, नीचे कॉपीराइट का वो ऑप्शन आएगा, वो कैसे होगा वो भी फटाफट से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मगर उससे पहले कुछ चीज़ें हैं मेन्यू की, वो देख लेते हैं। बाकी मेन्यू क्या है, लिस्टिंग सेलेक्ट, लिस्टिंग में क्या आ रहा है, रियल एस्टेट सर्विसेज फॉर सेल। अब यहाँ पे हमारी वो कैटेगरी नहीं आ रही, वो कैटेगरी कैसे आएगी, यहाँ पे आना है आपको सिंपल, ये एनेबल करना है कैटेगरी, इसको बंद करना है। नीचे कैटेगरी का एक ऑप्शन आ गया है, यहाँ से आप एजुकेशन वाले को भी ऐड कर सकते हो, ऐड टू मेन्यू, और यहाँ से हमारा वो एजुकेशन वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सेव मेन्यू। एंड एक और है हमारा जो है सोशल का, आई थिंक सो, सोशल सेलेक्ट, एंड यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ ऐड करना है वो कैसे कर सकते हैं, कस्टम लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक ऐड करो, और यहाँ पे सिंपल इंस्टाग्राम, ऐड टू मेन्यू, इंस्टाग्राम का पेज यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा, सेव मेन्यू। अब रिफ्रेश करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से, दैट्स इट, लिस्टिंग में ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। सो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ तो हो गई है। अब यहाँ पे आपको अपेयरेंस में कस्टमाइज़ के अंदर जाना है। कस्टमाइज़ में आने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो कि आपको यूज़ करने होते हैं, वन बाय वन सारी चीज़ें एक बार देख लेते हैं। साइट आइडेंटिटी में आना है आपको, यहाँ से आप अपना लोगो चेंज कर सकते हो, अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे सिंपल चेंज पे क्लिक करेंगे, अबाउट फाइल, अपलोड फाइल, एंड यहाँ से अपना लोगो जो भी है उस लोगो को अपलोड कर सकते हैं। ये वाला लोगो था, ओपन लोगो, सिंपल पेस्ट, सेलेक्ट, हमें क्रॉप नहीं करना, स्किप क्रॉपिंग करनी है, हमारा लोगो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से कुछ टैगलाइन रखनी है, या फिर कुछ कॉपीराइट डालना है तो वो आप डाल सकते हो। तो हमारा कॉपीराइट क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका ही कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं। सिंपली आपको आना है यहाँ पे कॉपीराइट नोटिस में डालना है, वो चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे साइड आइकन होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे ग्लोब सा बना हुआ है ना, आपको सेलेक्ट साइड आइकन करना है, 512x512 का होना चाहिए, उसको आपको अपलोड करना है। सेलेक्ट फाइल, वो भी मैंने बना रखा है, ओपन, दैट्स इट, कॉपी कर लेते हैं साइड आइकन सेलेक्ट, इसको साथ साथ पब्लिश करते रहेंगे। बैक कलर्स वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, जैसे कि आपको हेडर का, टेक्स्ट का, प्राइमरी कलर आपका ये येलो जा रहा है, सेकेंडरी कलर वो जा रहा है, अगर आपको कलर चेंज करना है कैसे कर सकते हो, रेड कर देते हैं, यहाँ पे रेड हो जाएगा, जैसे कि हमारी साइड में भी रेड था, आपको मैंने दिखाया था, ये रेड हो गया, काफ़ी जगह रेड यूज़ होगा, यहाँ पे ग्रीन आ रहा है ना, ये रेड है, नीचे रेड आ रहा है ये सारा। इसी तरीके से आप सेकेंडरी कलर भी अगर चेंज करना चाहते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा ये ग्रीन आ रहा है, ये सब ग्रीन आ रहा है, इसको अगर आपको चेंज करना है आप इसको ब्लू कर सकते हो, तो यहाँ पे ये ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया, तो मतलब सेकेंडरी कलर जो हमारा है वो भी ब्लू हो जाएगा इसी तरीके से, है ना। तो यहाँ से इस कलर से भी आप प्ले कर सकते हो। कलर के बाद हेडर इमेज का ऑप्शन आ रहा है, उसकी हमारे को जरूरत नहीं, अपने कस्टम वो बना लिया है। मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, जो हम प्ले कर चुके हैं ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले। फॉन्ट्स का यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जो भी आप फॉन्ट रखने जाते हो, यहाँ से हम पॉपिंस, इसको भी पॉपिंस कर देते हैं, पूरी साइड में पॉपिंस ही रखेंगे हम, पॉपिंस, दैट्स इट, जो हमारा बॉडी फॉन्ट रहेगा वो भी पॉपिंस ही जाएगा। और WooCommerce में हमें सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडिशनल CSS हमारे को कोई डालनी नहीं है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी जो हमने करी हैं यहाँ से। अभी कुछ विजेट का ऑप्शन है, विजेट देख लेते हैं, हमारी फुटर की विजेट है, जो कि हमारा ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट डला हुआ है, यहाँ से अगर टेक्स्ट चेंज करना है तो कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। इमेज चेंज करनी है तो वो कैसे होगी, यहाँ पे सिंपल आप जाएंगे
यहाँ पे सिंपल आप इसको डिलीट करेंगे, ऐड मीडिया करेंगे, जो मैंने लोगो भी अपलोड किया था उसको आप सिलेक्ट करेंगे, लोगो को सिंपली यहाँ पे कॉल कराएंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा, आपको डन करना है, इसको पब्लिश करना है, टाइटल डाल सकते हैं आप अबाउट अस, अबाउट अस आ जाएगा लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। और आपका जो अबाउट अस का पेज का लिंक है वो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे रीड मोर पे अबाउट अस डाल के वो डाल सकते हो। एक काम करते हैं, होम पेज में हमारे ना लिंक रह गए थे, वो लिंक मुझे बताने, कौन से लिंक कहाँ से कैसे मिलेगा वो सब कुछ एक बार आपको मैं फटाफट से बता देता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको बंद करते हैं, अपने होम पेज को खोल लेते हैं एंड उसके बाद फटाफट से इस वीडियो को एंड करते हैं। बने रहना भी लास्ट तक, क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ गिफ्ट करने वाला हूँ, अगर आप लोग आगे पता चल जाएगा भी आपको, बने रहना इस वीडियो के साथ। बस लास्ट अब एंड कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देके जाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, जो आपके काम आएगी, आपके अगर आप वेबसाइट ऐसी बनाना चाहते हो आपके बहुत काम आने आ रही है। तो यहाँ पे आपको पेजेस में जाना है, पेजेस में आने के बाद आपको सिंपली होम पेज जो हमारा हमने बनाया था ये वाला, ये एलिमेंटर लिखा हुआ है ना, एडिट विद एलिमेंटर, सो भी हमारे को यहाँ पे कुछ लिंक्स जो हमारे रह गए थे वो सेट कर लेते हैं फटाफट से। जैसे कुछ हमारी कैटेगरी है, कैटेगरी में हमारे को जाना तो कैसे कर सकते हैं, या व्यू ऑल भी जाना है वो हम कैसे कर सकते हैं, उसका मैं आपको बता देता हूँ। व्यू ऑल पर अगर आपको लिंक ऐड करना है, जैसे इस पर क्लिक किया, यहाँ पे लिंक अगर आपको ऐड करना है वो कैसे कर सकते हो, सिंपली आपको यहाँ पे आना है सबमिट लिस्टिंग कैटेगरी, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। जो हमारी ऑल कैटेगरी होंगी, ऐड लिस्टिंग करेंगे तो सारी चीज़ें हमारी दिख जाएंगी, जैसे ऐड लिस्टिंग पे क्लिक किया जितनी भी कैटेगरी होगी सारी दिख जाएंगी ना हमारे को, तो इसी पेज पे रीडायरेक्ट करना है ना, सिंपल यहाँ पे आएंगे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो इसी तरीके से बाकियों में अगर ऐड करना है, जैसे कि हमारे को यहाँ पे रियल स्टेट में ऐड करना है, क्योंकि हमारा ये रियल स्टेट का है। अब आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे होगे तो उसके लिए मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं फटाफट से इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो का भी कोई वो नहीं मतलब बनता ना। तो यहाँ पे कैटेगरी में जाएंगे, आपको यहाँ से लिंक मिलेंगे, जिसका भी लिंक आपको चाहिए यहाँ से मिल जाएगा, जैसे सर्विसेज का चाहिए, रियल स्टेट का चाहिए, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है, आपको यहाँ पे आना है रियल स्टेट, इसको पकड़ना है, पेस्ट कर देना है। आपको एजुकेशन का चाहिए, यहाँ पे आना है कॉपी लिंक, सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसको हैश की जगह पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से आपको जैसे कि ये सर्विसेज का है, सारी सर्विसेज वाले पे ले जाना है, आपको यहाँ पे आना है, फिर दोबारा से इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे दैट्स इट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका लिंक डला ही हुआ है, इस लिंक पे आपको पेस्ट करना है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी का है, रियल स्टेट का है, जो यहाँ पे आना है, सिंपल आपको कॉपी करना है एंड इस पर क्लिक करना है, आपको हैश की जगह उसको पास कर देना है। सो इसी तरीके से जैसे लिस्ट योर बिजनेस का ये वाला सेक्शन आ जाए, किसी को लिस्ट योर बिजनेस पे क्लिक करना है वो कैसे काम करेगा, उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, लिस्टिंग सबमिट करनी है ना, तो आपको स्लैश पास करना है यहाँ पे, स्लैश सबमिट लिस्टिंग डैश, मतलब स्लैश सबमिट डैश लिस्टिंग स्लैश, ये आपको यूज़ करना है, ये वो वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे ये है, इसको आपको अबाउट करना है, यहाँ पे आप अबाउट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लेगा अबाउट का पेज आपका, उसके साथ इसको लिंक कर देगा। सो इस तरीके से आप अपने जो लिंक्स वगैरह हैं उनको सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं फटाफट से अपडेट, यहाँ पे काम करते हैं, साइट को खोलते हैं, जीडी मैट्रिक्स पे चेक करते हैं उसका स्कोर क्या है एंड उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करके फटाफट से उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज करके कैसे बेस्ट कर सकते हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। बेस्ट टेस्ट साइट, सो यहाँ पे अभी बिना कुछ किए, कुछ भी हमने नहीं किया, ऑप्टिमाइज नहीं किया, इमेजेस भी ऐसे डाल दी थी मैंने, कोई आपको बोला है कि आपको इमेजेस ऑप्टिमाइज करके डालनी है बट मैंने कुछ भी नहीं डाला, आपको खाली करने के लिए करके दिखा रहा था। तो यहाँ पे सी ग्रेड आ रहा है हमारा बिना ऑप्टिमाइज किए, और जो फुली लोडिंग टाइम है 4.1 सेकंड है और जो फर्स्ट कंटेंट पेज फुल है वो है 2.2 सेकंड का। अब इसको देखते हैं हम कितना बेस्ट कर सकते हैं जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूँ मेरी तरफ से, अगर आप डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से होस्टिंग को बाय करते हैं, आपको अगर साइट बनानी है तो होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जो कि मैंने आपको बताया है, और बेस्ट होस्टिंग बताई है मैंने आपको, जिसमें कि आपको काफ़ी सारे फ्री टूल्स मिलते हैं, जैसे डोमेन मिल रहा है, SSL मिल रहा है, CDN मिल रहा है, 24x7 का सपोर्ट मिल रहा है एंड बेस्ट पार्ट जो है उसको प्राइस बहुत नॉर्मल सा है, अगर आप होस्टिंग बाय करते हो मेरे दिए हुए लिंक से, तो मेरी तरफ से आपको WP रॉकेट प्रीमियम प्लगइन मिलेगा, जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को सुपर फास्ट कर देता है। उसको ऐड करते हैं, देखते हैं उसके बाद हमारी साइट का रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे आना है आपको प्लगइन में, ऐड न्यू अपलोड, चूज फाइल, WP रॉकेट, ओपन, इंस्टॉल, एक्टिवेट। मैं सिर्फ इंस्टॉल करूँगा और एक्टिवेट करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद पहले चेक करते हैं इसके अंदर भी इसके ऑप्टिमाइजेशन की सेटिंग्स होती हैं, बिना किसी सेटिंग के वो किस लेवल तक हमारी वेबसाइट को करता है।
क्या पता आपको कुछ सेटिंग ना करनी पड़े, खाली इंस्टॉल करने से ही वो ऑप्टिमाइज़ कर दे कोड को, हमारी सेटिंग जो वेबसाइट है उसकी स्पीड अच्छी हो जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको खुला रहने देते हैं, एक और जीटी मैट्रिक्स खोलते हैं, वहाँ पे अपनी इस साइट को डालते हैं और फिर चेक करते हैं, टेस्ट योर साइट। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और सब कुछ आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया, एक एक चीज़ आपके सामने सब कुछ खोल के रख दी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर भी करना। बूम, यहाँ पे हमारी जो स्कोर है BN8585 आपके सामने है, 1.9 एंड 3.3 सेकेंड, सिर्फ मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया और कुछ भी नहीं किया, उसके अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। अब उस सेटिंग्स को भी देख लेते हैं फटाफट से एंड इस ट्यूटोरियल को एंड करते हैं, सेटिंग में जाते हैं फटाफट से। ओके, हमारे इसमें एक्चुअली क्या है ना, जो हमारा ये थीम है इसके अंदर ऑलरेडी हमारे को एक कैशे प्लगइन मिलता है, तो यहाँ पे जनरल में जाएंगे, पहले उस कैशे को प्लगइन को बंद करते हैं ताकि डब्ल्यू पी रॉकेट का जो कैशे है वो अच्छे से काम कर सके। इसको यहाँ से हम ऑफ कर देंगे, सेव कर देंगे, देन अब देखते हैं क्या पता वो और अच्छी सेटिंग हमारे को प्रोवाइड कर दे, है ना। इसको एक काम करते हैं, अगेन रिफ्रेश करते हैं, B85 और 88 था ये ना, रीटेस्ट करते हैं। बूम, सिर्फ एक कैशे प्लगइन वहां से हटा के इसका ऐड किया है मैंने, ए कर दिया इसने हमारा स्कोर 9189, मतलब सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल किया, कोई प्लगइन की ऑप्टिमाइजेशन किया ही नहीं है मैंने अभी तक। 1.4 एंड 2.8 मैक्सिमम लोडिंग टाइम है हमारी इस वेबसाइट का, मतलब मुझे ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ, यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाके मैं इसको ऑप्टिमाइज़ करूँ उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे, सिर्फ मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया है उसने अपने आप सब कुछ इंस्टॉल करते ऑप्टिमाइज़ कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे फाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिनीफाई CSS, ऑप्टिमाइज CSS, जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन होता है, एंड उसके बाद यहाँ पे इसका आपका मीडिया का ऑप्शन होता है जिसमें कि इनेबल इमेजेस को जो करते हैं लेजी लोड कर सकते हैं, यहाँ से उसकी इमेज की जो डायमेंशंस होती है वो बना सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं करी और उसके बाद ही इसने अपने आप सब कुछ सेट कर दिया, ये कमाल है इस प्लगइन का। सो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है किसी भी वेबसाइट के लिए ये, क्योंकि आज के टाइम पर स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है, चाहे वो गूगल की नज़र में देखना चाहो चाहे एक यूज़र की नज़र में भी देखना चाहो। अगर आप कोई साइट खोलते हो खुलने में टाइम लगाती है तो आप वेट थोड़ा करते हो चले जाते हो, तो सेम यहीं पे आपकी वेबसाइट में भी यही होगा, अगर आपकी वेबसाइट खुलने में टाइम लगा रही है कोई नहीं रुकेगा आपकी साइट से चला जाएगा और बाउंस रेट भी खराब होगा और यूज़र भी चला जाएगा जो कि आपके लिए बहुत कीमती हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, जो कि आपको लिंक इस तरीके से कुछ मिलेगा, इस तरीके से ये लिंक है, इस लिंक से अगर होस्टिंग को बाय करते हो तो मेरी तरफ से डब्ल्यू बी रॉकेट आपको फ्री मिल जाएगा और आप भी अपनी वेबसाइट में उसको यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना। इस तरह के ट्यूटोरियल बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, अगर आप लोग लाइक करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं तो हमें ग्रो होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लोगों के साथ शेयर जरूर करना, एंड इस तरह के फ्री रिसोर्सेज की वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, अलग अलग टॉपिक पे मैं काम करता रहता हूँ जो कि मैं मोस्टली फ्री रिसोर्सेज के साथ ही टॉपिक पे ट्यूटोरियल बनाता हूँ। अगर आप लोग भी इस तरह के ट्यूटोरियल फ्यूचर में भी चाहते हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड अगर आप लोगों को मेरे से डब्ल्यू पी रॉकेट चाहिए तो मैंने आपको वो भी दिखा दिया कि अगर आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं उसकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये प्लगइन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप बाय कर सकते हैं, एंड इनवॉइस मेरे को मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके, मेरी वेबसाइट से वहाँ पे आपको ग्रुप मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ सब कुछ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप मुझे वहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैं आपको प्लगइन प्रोवाइड कर दूंगा एंड आप उसको ईजिली अपनी वेबसाइट में यूज़ करके अपनी वेबसाइट को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसकी स्पीड अच्छी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट जबरदस्त ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।